Now you can start. All right, good afternoon and welcome back in the post-lunch session of the 2 days webinar on organic farming organized by Bandra University of Agriculture and Technology. I hope you must have a very fantastic meal today. In today's session, we are having in between us Dr. Mayank Kumar Rai, who is professor and head in KVK Noida. Dr. Rai has done his graduation from the very famous UP College of Varanasi, and he took his master's degree from GVPUIT Pantnagar, and later he did his PhD from Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. Today, Dr. Mayank Rai will deliver his lecture on principles and practices of pest management in organic farming. So may I take this privilege to invite Dr. Mayank Kumar Rai. Please welcome, sir. Thank you. Over to you, sir. So should I start? Yeah, sir. ये यहाँ से है जो स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, इस पे आ रहा है ना आइकन, आ रहा है इसको बिल्कुल, कैसे हटा? बिल्कुल सर. इसको कैसे हटाएंगे? किसको सर? ये इस पे आ रहा है ना, ये हमारे टैबलेट उस पे आ रहा है, लैपटॉप पे स्क्रीन पे. हाँ, आप वो है, आपने स्वच्छ भारत मिशन को भी वो दिया है. आप शुरू करें. हाँ जी बिल्कुल. धन्यवाद डॉक्टर अखिलेश जी. मैं डॉक्टर मयंक कुमार राय, और मैं आज जो जैविक खेती के ऊपर, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जो नेशनल वेबिनार कर रहे हैं, और बांदा के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा एक जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे आप अपना व्यू शेयर करने के लिए आपने हमें समय दिया. मैं आपके बांदा कृषि विश्वविद्यालय के ऑनरेबल वाइस चांसलर डॉक्टर यश गौतम साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस कोरोना क्राइसिस में जो उन्होंने इस तरह का जो है इनिशिएटिव लिया, जिसमें कि जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं. आपका 2 दिन का जो सेमिनार कल से स्टार्ट हुआ है, इसमें जैविक खेती के कोरोना क्राइसिस में इतना महत्वपूर्ण कार्य आगे आने वाला है, और जो हमारा हमारे देश के जो किसान हैं, इन किसानों का महत्व और ज़्यादा बढ़ने वाला है. तो आज के इस कार्यक्रम में बांदा कृषि विश्वविद्यालय के सभी स्टाफ का जो इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बांदा कृषि विश्वविद्यालय का, और जो हमारे इस समय के जो श्रोता हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आज हम लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं. और पूरे उत्तर प्रदेश में, और नहीं पूरे भारतवर्ष में, जो आगे आने वाला जो कृषि का जो हमारी जो स्ट्रेटजी होने वाली है, खासकर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, उस पर हम बात करने वाले हैं. मेरा आज का जो विषय है वो पेस्ट मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस है. जैविक खेती पे कैसे पेस्ट मैनेजमेंट, जैविक खेती के अंतर्गत पेस्ट मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, और उसमें क्या क्या हम सिद्धांत अपनाते हैं, क्या क्या हमारे प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे. उसके पहले हम चाहेंगे कि कुछ मैं थोड़ा सा ब्रीफ, 2-3 स्लाइड्स में ब्रीफ कर दूं कि जो है जैविक खेती क्यों आवश्यक है और क्यों हम इसको करना चाहते हैं. जो हमारा आज का जो थीम है, और जो हम सोचते हैं और हम जो समझते हैं करते हैं, वह यह है कि जैविक विधियों द्वारा फसल सुरक्षा हम क्यों करना चाहते हैं. हम अगर इस थीम को लेकर के चलें कि अपनी खेती होनी चाहिए जो अपनी खाद से होनी चाहिए, अपना बीज होना चाहिए जो स्वयं किसान उत्पादन करे, और अपना उसका जब हम जैविक रूप से खेती करेंगे तो अपना स्वाद उसमें आएगा. खासकर जब हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वगैरह और पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करते हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंस आता है. तो अपना बीज अगर होगा, अपनी खाद होगी, तो अपना उसका स्वाद आएगा. जैविक खेती होती है जो हमारी परंपरागत खेती है, पूरे हमारे कई सौ साल का जो हमारा इतिहास है, हमारे ऋग्वेद, बहुत सारे जो वेद हैं उसमें देसी खेती के बारे में जो बताया गया है, तो बहुत सारे लोगों की जो आयु होती है 100 साल, 150 साल, 200 साल तक, हमने सुना है अपने इतिहास में कि लोग जैविक देसी खेती और देसी चीज़ों को खा करके इतने दिन तक अपना जीवन यापन करते थे. इसलिए जैविक खेती काफ़ी महत्वपूर्ण है. जैविक खेती सात्विक खेती के रूप में होती है. ये हम जो है आज का इस चौपाई के साथ अपना वक्तव्य शुरू करना चाहते हैं. जैविक खेती की आवश्यकता क्यों पड़ी,
जैविक खेती से इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से चाहे जो भी हम रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं और बहुत सारी चीज़ों का जो फर्टिलाइजर वगैरह का प्रयोग करते हैं उसमें क्या होता है कि हमारी खेत की जो उर्वरता है वो घट जाती है। बहुत बड़े पैमाने पर जब हम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो उससे बहुत सारी बीमारियों का भी प्रकोप होता है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो इसलिए जैविक राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के माध्यम से टिकाऊपन कैसे लाया जा सकता है खेती में, इसके बारे में जो है हम जैविक इसके बारे में जो है सरकार ने बहुत गंभीरता से प्रयास किया और उसके बाद जो है जैविक खेती पे बल देना शुरू किया। यह बात भारत के इतिहास में आजादी के बाद से शुरुआत हो गई थी उसी समय से, लेकिन फिर जो जब इसे जो गंभीर तरीके से प्रयास 2001 के आसपास किया गया था, मृदा की जैविक गुणवत्ता बनाए रखी जा सके यह हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जैविक खेती के माध्यम से, और साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। हमारा जो पीने का पानी है, हमारा जो मिट्टी के नीचे जो हमारे जमीन के नीचे का जो जल स्तर है, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हमारा जो हमारी जो पशुधन है उसका कैसे संरक्षण किया जाए। पशुधन को धीरे धीरे हम खत्म करके यंत्रों पे आ गए हैं, तो पशुधन को हम कैसे बचाएं जिससे कि हमको पशुधन के साथ साथ जो है दूध के साथ साथ बाकी सारी चीजों पे जो है हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं के साथ बहुत सारी चीजों के साथ पर्यावरण प्रदूषण को जो है बढ़ावा मिल रहा है, तो पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है इसके भी जो है बहुत ज्यादा हमको सोचने की जरूरत है। और साथ साथ जब हम सुनते हैं कि रासायनिक दवाओं का प्रयोग करने के बाद बहुत सारी बीमारियों का उनको जन्म हम दे देते हैं, तो मानव स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जा सके, इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि विश्वव्यापी स्तर पर इस समय जो कोरोना क्राइसिस चल रही है, तो कोरोना क्राइसिस में आयुष मंत्रालय द्वारा खासकर जो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है और जितने प्रदेश सरकार हैं उन्होंने एलोपैथिक दवाओं के बजाय आयुर्वेदिक दवाओं पे और काढ़ा पे और बहुत सारी चीजों पे हल्दी पे जोर देना शुरू किया है। ये एक तरह से जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात है और सरकार इसे बहुत ज्यादा जोर देने वाली है और आगे इस पे हम काम करने वाले। प्लस जो हमारे किसान भाइयों की जो लागत होती है रासायनिक उर्वरकों का, रासायनिक दवाओं का, मशीनरी का प्रयोग करके बहुत सारी चीजों को अलग अलग बहुत सारी सिंचाई बहुत कई बार हम जब सिंचाई करते हैं इससे क्या होता है कि उत्पादन लागत में बढ़ोतरी हो जाती है। उस उत्पादन लागत को अपनी सारी चीजों का प्रयोग करके किसान कैसे उत्पादन लागत को कम किया कर सकता है और उसको और जो हमारा जो लागत है और जो हमारी आय है उसके बीच में कैसे ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस करके और हम ज्यादा आय प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम जैविक खेती अगर करते हैं तो बढ़ावा देते हैं, जैविक खेती अगर किसान करते हैं तो उससे जो है ज्यादा लाभ मिलने वाला है। ये जैविक खेती की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है। भारत में जैविक खेती कब शुरू हुई थी, गंभीर प्रयास कब किए गए थे और सरकार द्वारा इसमें क्या क्या कार्यक्रम किया गया था, कब कार्यक्रम किया गया था। सबसे पहले 2001 में राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया था और उसके फलस्वरूप गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में राष्ट्रीय खेती केंद्र की स्थापना की गई थी 2004 में। साथ साथ जो अलग अलग सेंटर भी बना दिए गए थे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें बंगलुरु, भुवनेश्वर, पंचकुला, इम्फाल, जबलपुर और हेलो शोर हो रहा है, तो इसमें रीजनल सेंटर के माध्यम से अलग अलग सर्टिफिकेशन होता है जैविक उत्पाद जो लोग किसान बनाते हैं, किसान उत्पादन करते हैं, उनका रीजनल सेंटर के माध्यम से उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद जो है उनको सर्टिफिकेशन करके और बाजार से उनको जोड़ने की बात हो जाती है। इसी के साथ साथ परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से सरकार ने जो है 2015 में वर्तमान जो सरकार है इन्होंने परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को जोड़ा और जिससे काफी जो है जैविक खेती का विस्तार हो रहा है। साथ ही साथ गंगा किनारे जैविक खेती जो उत्तराखंड से लेकर के और पश्चिम बंगाल तक 1657 ग्राम पंचायत हैं, इन ग्राम पंचायत गंगा के किनारे किनारे 1657 ग्राम पंचायत हैं, इनके साथ साथ जैविक खेती जो है गांवों में करने के लिए नमामि गंगे नाम से प्रोजेक्ट चलाया गया और इसमें काफी जो है उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है और इसमें काफी जो है मतलब इसमें किसान इसका लाभ आंशिक रूप से अभी शुरू कर दिए हैं लेना, लेकिन बाद में और जाकर के ये जुड़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी द्वारा और उस प्रदेश सरकार द्वारा जैविक राज्य घोषित कर दिया गया है, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है ये 20 साल पहले उन्होंने काम शुरू किया था, जिससे कि उसको और तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना गंगटोक में 2016 में की गई थी,
जिससे कि पूर्वी पूर्वी भारत में जितने 7-8 स्टेट हैं उनके उन वहाँ उन राज्यों में जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ योजनाएं और हैं जिसे राष्ट्रीय धारणी कृषि मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जो अलग अलग जनपदों में राज्यों के माध्यम से चलाई जाती है, आत्मा योजना के साथ जोड़ करके जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बागवानी विकास मिशन है, इसके माध्यम से भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय तिलहन ऑयल पम्प मिशन है और ICR का एक नेटवर्क है जैविक कृषि का, उसके माध्यम से जो है जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये तरह सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया है और कृषि विश्वविद्यालयों के लोग सभी कुलपति महोदय और कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए जो है सरकार की तरफ से प्रयास काफी है और किसान भी इसमें काफी जुड़ रहे हैं और नए नए अभी पढ़े लिखे बहुत सारे लोग जो इंजीनियर हैं और उस तरह से लोग हैं वो लोग भी जैविक खेती में काफी आगे आ रहे हैं और बाजार से सीधे उनको जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है और इसमें हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। साथ साथ जैविक खेती के जो घटक हैं, बहुत सारे घटक हैं, जैविक खेती कब तक कंप्लीट नहीं हो पाता है जब तक हम इन सारी सारी चीजों को जोड़ते नहीं, एक साथ इंटीग्रेट नहीं करते, एक साथ समन्वित रूप से अगर हम काम नहीं करते हैं तब तक जैविक खेती जो है हमको मुझे नहीं लगता है कि सफल मानी जाएगी। फसल उत्पादन हमको करना है, एक उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि फसल उत्पादन में क्या क्या फसल हमको लेनी है। जैसे कि हम मान लीजिए धान और गेहूं लेते हैं तो उसके साथ दलहनी फसलों को जरूर लेना चाहिए। 3 साल का हमारा प्लान होना चाहिए कम से कम किसान के पास कि 3 साल में फसल उत्पादन के साथ धान और गेहूं के साथ अगर मुख्य फसल धान और गेहूं है तो उसके साथ साथ आपको तिलहनी फसलों का उसमें समावेश करना चाहिए, दलहनी फसलों का समावेश करना चाहिए, कुछ सब्जियों का समावेश करना चाहिए, बहुत सारी अन्य चीजों का जैसे नकदी फसलों का समावेश करना चाहिए। इसलिए होता क्या है कि जो जो कीड़े और बीमारी जो है आपके धान में लगेगा वो दलहनी फसल में नहीं लगेगा, दलहनी फसल में जो कीड़े लगेंगे वो तिलहनी फसलों में नहीं लगेंगे, वो गन्ने में नहीं लगेगा। तो हमारा जो एक तरह से फसल चक्र है उसको 3 साल के प्लानिंग पे अगर लेकर के चलते हैं और जैविक रूप से अगर काम करते हैं और सारी चीजों को अगर इंटीग्रेट करके हम चलते हैं तो ये हमारा जैविक फसल सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आयाम हो सकता है। बहुत सारे लोगों को दूध चाहिए लेकिन उन्होंने पशुपालन बंद कर दिया है, अभी श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या हुई है लेकिन पशुपालन के साथ इसको जोड़ना है। अगर हर व्यक्ति अपने अपने घर पे एक गाय या कोई भी दुधारू जानवर अगर रख ले तो उसे जो गोबर होगा उसका जो मूत्र होगा वो हम जैविक खेती में प्रयोग कर सकते हैं। ये अति आवश्यक है और कोरोना क्राइसिस ने एक मैसेज दिया है कि हम अपने फसल हम अपनी खेती को कैसे जो है सभी चीजों से इंटीग्रेट करें और फसलों के साथ साथ पशुपालन को जरूर जो है हम शामिल करें उसमें। इसके साथ साथ औद्यानिक फसलें हैं, फल है, सब्जियां हैं, फूल हैं और औषधीय पौधे हैं, इसको अगर हम अपनी खेती में समावेश करते हैं तो ये नगदी फसल के रूप में हमारे किसानों को आय बढ़ाने में काफी जो है सहायक होते हैं। इसके साथ साथ कृषि वानिकी है, कृषि वानिकी में अलग अलग पेड़ हैं उनको हमको लगाने की जरूरत है। छोटा किसान है मछली उत्पादन का काम जरूर शुरू करे, कम से कम 500 वर्ग मीटर में अगर उसके पास जगह हो तो मछली उत्पादन करे, ये नगद इसमें प्रतिदिन आय हो सकती है। अगर हम 10 बक्से मधुमक्खी के रख लें छोटे किसान के लिए तो ये सब हम जैविक फसल सुरक्षा का ये जो मानक है उसके साथ साथ अगर हम जोड़ते हैं तो इसके जो बाई प्रोडक्ट है मधुमक्खी के मछली के कृषि वानिकी के इसको हम जैविक फसल सुरक्षा में इसको प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनिक खादों का हम खुद तैयार करें, कंपोस्ट है, नाडेप है उसको तैयार करें, फसल अवशेष को जो हम आज जला देते हैं और जो कहा जाता है कि किसान फसल अवशेष जला रहा है तो उससे प्रदूषण हो रहा है तो फसल अवशेष को जरूर जो है हम कंजर्व करें, उसको अपने पास रखें, दोबारा खेत में मिलाएं। डीकम्पोजर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है नई दिल्ली में IRI, वहां से डीकम्पोजर लेकर के और हम फसल अवशेष को उसको सड़ाएं और उसको खेत में पुनः यूज करें जिससे कि जो है फसल को न जला करके फसल अवशेष को न जला करके उससे जो है उसको हम खाद बना सकते हैं। जैव उर्वरक का प्रयोग करना बहुत ही जरूरी है, ये सब फसल सुरक्षा के अंतर्गत आएंगे जो हम बाद में इसको जोड़ेंगे। राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, PSD है, ग्लूग्रीन एल्गी है, जो नील हरित शैवाल है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। पशुओं के जो अवशिष्ट हैं जैसे मूत्र है बहुत सारी चीजें हैं उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैविक कीटनाशी आजकल उपलब्ध है बाजार में, बहुत सारी संस्थान है जो सरकारी संस्थान है, बैसिलस थुरिंजियेंसिस है बैक्टीरिया का वायरस का एक NPP है, ट्राइकोडर्मा है जो किसान हमेशा यूज करते हैं, फेरोमोन ट्रैप है, लाइट ट्रैप है और ट्राइकोकार्ड है, किसान इसका यूज करते हैं। इस तरह की चीजों का हमको प्रयोग करने की जरूरत है। बायोडायनेमिक खाद है जिसे गाय के सिंग से भी खाद बनाई जाती है, सरल खाद है, गोमूत्र का प्रयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। पूरक स्रोत है जैसे चीनी मिल से जो खाद निकलती है उसका हम प्रयोग करके अपनी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सस्य तकनीकी में फसल चक्र हमने पहले बताया,
और सबसे बड़ी गर्मी के सीजन में इस समय अगर किसी का खेत खाली हो तो उसकी गहरी जुताई कर ले। गहरी जुताई करने के बाद जो है उसका सौरीकरण कर ले, जुताई गहरी करके और उसको ब्लैक पॉलिथीन आता है उसे ढक करके और चारों तरफ से मिट्टी डाले। 3 से 4 दिन के अंदर जितने इस तरह के जो वायरस और बैक्टीरिया और इस तरह के कीड़े होंगे उनके अंडे वगैरह सब मर जाएंगे और वो जो है आपका बाद में काफी अच्छा मतलब रिजल्ट देगा, बीमारियां कम लगेंगी, कीड़े कम लगेंगे। जैव प्रौद्योगिकी के बहुत सारे सिद्धांत हैं, इस तरह की प्रजातियां वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप कर दी गई हैं जो आपके अपने क्षेत्र के लिए अनुकूल हो उसका प्रयोग करने की जरूरत है। ट्रांसजेनिक तकनीक से बहुत सारे प्रजातियों का भी मतलब वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई, उसका भी प्रयोग करें। हमेशा ये कहा जाता है हरी खाद, बहुत पहले से हम सुनते आए हैं हरी खाद का प्रयोग, जिन जिन चीजों को हमने छोड़ दिया है, मशरूम का उत्पादन करने की आवश्यकता है। ये ऐसे इस सारी चीजों को अगर इंटीग्रेट करें या जो अपनी जरूरत है उसके हिसाब से अगर इंटीग्रेट करके अगर हम काम करते हैं तो मुझे लगता है कि जो है हम इसमें काफी लाभ ले सकते हैं और इसको जैविक रूप से कन्वर्ट कर सकते हैं खेत को और फसल सुरक्षा में इसको उपयोग कर सकते हैं। नील जैसे सपोज करिए कि दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, नीम और उसके बाद गाय और गाय से उत्पादित प्रोडक्ट है। ये अगर हमारे पास दो चीजें हैं तो हम कम से कम 75% सफल हो सकते हैं कि जो है हम अपना नीम आधारित जो है कीटनाशक अगर प्रयोग करते हैं तो 75% जैविक जो है हम जैविक रूप से खेत को परिवर्तित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर के लिए अगर हम 25 किलोग्राम निमोली लेकर के और उसको बारीकी से कूट लें और उसको कपड़े में बांध करके रात भर उसको पानी में भिगो दें, जो उससे सख निकले उसको थोड़ा सा बढ़िया से कपड़े से छान लिया जाए और छान लेने के बाद इसको इस 5% के घोल के हिसाब से, मतलब कि 5% इसका जो सत हो उससे जो घोल निकले और उसको 100 लीटर पानी में मिला करके अगर हम उसको जो है छिड़काव करते हैं तो वो जो है हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा जो है आपके कीड़े, जैसे आपके कुतर के काटने वाले कीड़े होते हैं या इस तरह का जैसे नीम को अगर जैसे आपके रस चूसने वाले कीड़े होते हैं, ये कीड़े आपके फसलों पर लगते नहीं, खासकर ये सब्जियों के काफ़ी ज़्यादा जो है सब्जियों के फसलों के काफ़ी ज़्यादा उपयोग मिलाए जाते हैं। अगर हम इसमें साबुन थोड़ा सा मिला दें, 5 किलोग्राम साबुन अगर 500 लीटर का अगर हम पूरा घोल बनाते हैं और इसमें साबुन मिला देते हैं तो साबुन पत्तियों के चिपकने का काम करता है, ये स्टिकनेस का काम कर सकता है, इसको स्टिकर बोलते हैं, वो हमको जो है काफ़ी जो है कीटनाशक नीम आधारित जो कीटनाशक अगर हम बनाते हैं किसान स्तर पर खेती में अपने ग्राम स्तर पर बनाते हैं घर पर अपने बनाते हैं तो इसमें साबुन जरूर मिलाना चाहिए जिससे कि जो है इसको फैलने में और उसकी पत्तियों पे जो चिकनी पत्तियां होती है चिपकने में ये काम आता है। नीम की पत्ती से अगर हम कुछ बनाना चाहते हैं, 1 बर्तन में नीम की पत्ती है उसको जल भर दें, पानी भर करके किसी कोई बर्तन ले लें, तांबे का बर्तन ले लें या किसी मिट्टी का बर्तन ले लें और इसको 4 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 5वें दिन पत्तियों को अच्छी प्रकार से छान लीजिए, पत्ती को जैसे अभी हमने पहले कहा उसको छान लीजिए। छानने के बाद प्रति लीटर 1 ग्राम साबुन मिलाकर जैसे उसमें से जो सत निकले, जो उसमें से छानने के बाद जो पानी निकलता है, जो नीम की पत्तियों से जो 4-5 दिन रखने के बाद जो उसमें से उसका अवशेष निकल रहा है उसको 1 ग्राम प्रति उसके लीटर के हिसाब से पानी के हिसाब से एक बार साबुन उसमें जरूर मिला लें। साबुन मिलाने के बाद उसको छिड़काव करिए तो इससे भुनगा वगैरह दीमक तक का भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिंचाई के जल के साथ इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर दीमक बहुत सारा पहले से लगा हुआ है तो रासायनिक दवाओं को जो हम प्रयोग करते रहते हैं उसकी अगर हम इसको बड़ी मात्रा में प्रयोग करें तो दीमक को भी हम नियंत्रित कर सकते हैं। नीम की फली का भी हम प्रयोग करते हैं कभी कभी, बहुत सारा जगह होता है किसान इसको तैयार करते हैं। 1 किलोग्राम नीम की फली का महीन चूर करें, 20 लीटर जल में उसको 12 घंटे तक रखें और इसे छान लें तथा 20 ग्राम साबुन में मिलाकर छोड़ें। नीम के हम ये बताना चाहते हैं कि नीम पेड़ ऐसा है कि उसकी कोई भी ऐसा अंग नहीं है, कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें कि जो है हमारे उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि अगर उस तत्व को हम निकाल करके अपने अपने हिसाब से निकाल करके अगर उसका उसको हम सब्जियों में, फलों में और जो हमारे और अगर कहीं कीड़े लग रहे हों उसमें अगर हम प्रयोग करते हैं, सिंचाई के जल के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होता है और इसमें रोकने में काम आता है, कीड़े को रोकने, बीमारी को रोकने में काम आती है। इसी के साथ साथ जैविक खेती में तंबाकू का काढ़ा भी प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 किलोग्राम तंबाकू के पत्ते को 10 लीटर जल में आधे घंटे तक उबालना है। तंबाकू के पत्तों को इसलिए उबालना पड़ता है कि उसमें से सभी तत्व जो है आसानी से उसमें से तत्व छान, जैसे नीम में आपने पत्तियों को छान लिया भिगोने के बाद, लेकिन इसमें क्या है जब तक उबालेंगे नहीं इसके सारे तत्व बाहर नहीं आएंगे और जब उबाल रहे हों आधे घंटे तो उस घोल को किसी भी बर्तन में उबाल रहे हों तो उस घोल
उसको हिलाते रहिए, जिससे कि जो है वो कहीं एक जगह चिपके ना और उससे सारा कुछ निकल करके बाहर आ जाए। घोल को फिर पूरा ठंडा होने दीजिए और उसके बाद उसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें इसमें भी साबुन मिलाना है, जो कि हमने बताया कि स्टिकर का काम करता है, और 1000 लीटर जल में मिलाएं और शाम के समय एक खेत में एक एकड़ में हिसाब से छिड़काव करते हैं, तो ये कीड़ों को रोकने के लिए काफी जो है लाभदायक होता है। क्योंकि फसल सुरक्षा विषय है तो हम फसल सुरक्षा पे ही इससे बात करेंगे। गाय का गोबर है, उसको हम अगर एक मिट्टी के बर्तन में 12.5 किलोग्राम गोबर ले लें, उसको ढक करके 20-25 दिन के लिए छोड़ दीजिए। मिट्टी के अंदर अगर ढक देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और 21वें दिन जो है उसको निकाल लीजिए, छान लीजिए और 500 लीटर उसको पानी में मिला करके बना लीजिए। और यह चूसने वाले कीड़े के लिए, जिसे मिट्टी के गोबर को आप मिट्टी के अंदर दबा देते हैं और किसी बर्तन में दबा देते हैं और 20-25 दिन तक उसको रखे रहते हैं, फिर उसके बाद उसमें उसको पानी मिला करके उसको छान लीजिए। पानी तो पहले ही मिलाए रहेंगे, उसको छान लेंगे। छानने के बाद अगर इसका इसका इसमें और अधिक पानी मिला करके और इसका छिड़काव करते हैं तो कीड़ों को रोकने में, नीम ऐसा जो है जहर नहीं है, यह कीड़े को रोकने में मदद करता है। यह कीड़ा अगर लगने वाला हो तो उसको दूर भगा देता है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीफिडेंट एक्शन होता है, इसमें एंटीफिडेंट एक्टिविटी करता है यह नीम, इसलिए कीड़ा उस पर लगेगा नहीं। गोबर और गोमूत्र का घोल भी बनाया जाता है। एक मिट्टी के बर्तन में 5 किलोग्राम गोबर लीजिए, 5 लीटर गोमूत्र ले लीजिए। गोमूत्र का हमने बहुत सारा रिसर्च देखा है कि बहुत सारे इसमें तत्व तो ऐसे ऐसे होते हैं जिसको कि अगर हम यूज करें। गोमूत्र आजकल अपने स्वास्थ्य को देखने के लिए, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी गोमूत्र का डायरेक्ट लोग सेवन भी करते हैं। तो इसको एक मिट्टी के बर्तन में लेकर के 5 किलोग्राम और 5 लीटर गोमूत्र को आप प्रयोग करिए। 5 लीटर जल में उसको साथ साथ मिला दीजिए और उसको छान लीजिए। 4-5 दिन के बाद छान लीजिए, उसमें थोड़ा सा मतलब बुझा हुआ चूना मिला लीजिए और इस मिश्रण को 100 लीटर पानी में मिला करके और 1 एकड़ में छिड़काव कर दीजिए। ये चारों चीज़ें जो है, जो गोबर है, गोमूत्र है, पानी है और चूना है, ये सभी मिल करके एक बहुत बढ़िया जो है इंसेक्टिसाइड का काम, मतलब एक इंसेक्टिसाइड मतलब आप रासायनिक दवा मत समझ लीजिए उसको, एक कीटनाशी का काम करता है और वो जो है कीटनाशी काफ़ी जो है इफेक्टिव होता है। और इसको किसानों ने टेस्ट किया है और जो जैविक खेती कर रहे हैं उन्होंने टेस्ट करके ये सभी चीज़ों को जो है किसानों से के अनुभव के आधार पर ये बताया जा रहा है। गोबर है, नीम की पत्ती है, लहसुन है और गुड़ का घोल बनाया जाता है। ये जैविक खेती के अलग अलग हैं, आप क्या क्या इसमें मिलाएंगे, सभी में लोगों में सभी चीज़ों में अलग अलग तत्व होते हैं। 10 लीटर गोमूत्र ले लीजिए, 3 किलोग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए और उसको पीस करके और 100 ग्राम लहसुन और 100 ग्राम उसमें गुड़ मिला लीजिए। पहले आप गोमूत्र में नीम की पत्ती को मिलाइए और खूब पीसिए, खूब बढ़िया से नीम की पत्ती को पीसिए और उसमें लहसुन और गुड़ मिला लीजिए 100 ग्राम। अब उसे 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आप छोड़ने के बाद कपड़े से इसको छान लीजिए और इसमें जल मिलाकर फिर छिड़काव करने की आवश्यकता है। इससे विभिन्न कीड़ों की रोकथाम की जा सकती है। जैविक नियंत्रण के बहुत सारे अवयव हैं, जैसे कि परजीवी कीट है। हमने जब हम रिसर्च करते हैं अभी तो, क्योंकि इस समय इन सब कीड़ों का की उपलब्धता थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन जैसे कक्सिनेला है, इनका कक्सिनेला कीट होता है, टाइकोग्रामा कीट होता है, ब्रेकोन है, कोटेसिया है, बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो कि छोटे कीड़ों को खाने का काम करते हैं। इनको बोलते हैं प्रीडेटर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रीडेटर। ये अपने से छोटे साइज के जो भी कीड़े होते हैं उनको जो है खाने का काम करते हैं। इनको हमको पहचानने की जरूरत है, खेत में कौन से ऐसे कीड़े हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं और उनको जो है हम ना कहीं ऐसा नहीं कोई रासायनिक दवा छिड़क करके उसको मार दे रहे हैं। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा रासायनिक दवाओं का जब प्रयोग करते हैं तो जो हमारे लाभदायक कीट हैं वो कीट मर जाते हैं। तो हम इन कीड़ों को पहचानने की आवश्यकता है और जो कीड़े हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं उन कीड़ों को लैब में पाल करके और उसके बाद इनको जो है अगर हम खेत में अगर रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो ये अपने हिसाब से अपनी अपनी अपने भोजन की खोज लेते हैं और उसके बाद जो है जाकर के ये उनको ये मतलब पैरासाइट हैं, ये उनको जो है नुकसान करते हैं। इसी तरीके से प्रीडेटर हैं, परभक्षी कीड़े जो मकड़ी है, ड्रैगन फ्लाई है, बीटल है, क्राइसोपरला, बहुत सारे कीड़े ऐसे हैं जो कि प्रीडेटर और पैरासाइट हम सुनते आ रहे हैं। और जो किसान जो थोड़ा बहुत अगर गूगल और इस मतलब ये इन चीज़ों को अगर ज्ञान रखते हैं तो उनको पता है कि प्रीडेटर और पैरासाइट का कैसे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ी सी समस्या यह हो रही है कि ये जो हमारे जो सरकारी संस्थान हैं इनके लैब अभी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जो है इनकी उपलब्धता उतनी मात्रा में नहीं हो पा रही है जैविक नियंत्रण के लिए। लेकिन अगर हम इसकी बढ़ावा दें और इसको अगर हम आगे लेकर के आएँ तो ये बहुत सारा जो है
मतलब ये कंट्रोल के लिए, जो हानिकारक कीड़े हैं उनके कंट्रोल के लिए काम काफी लाभदायक होते हैं। रोगाणु हैं जैसे फंगस है, तो हम किसान हमेशा देखते हैं कि बहुत सारा किसान अपने आप खुद यूज कर रहे हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वगैरह यूज करते हैं किसान अपने लेवल पे। आजकल हर घर में जो है, हर किसान के पास तो या पता है कि ट्राइकोडर्मा को कैसे यूज किया जाता है गोबर के साथ मिला करके। बेबरिया बेसियाना का पैकेट आता है, वो भी विकास कृषि विभाग के माध्यम से, कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेट्राजियम एनासोप्ली है, बहुत सारे पर जो फफूद हैं, हिरसुटोला थम्सोनी है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अपने जहाँ भी आप रह रहे हों, वहाँ के कृषि विश्वविद्यालय हों, उनसे संपर्क करके और इन फंगस के जो उत्पाद हैं उनको आप पूछ सकते हैं कि सर ये कहाँ मिलेगा, और इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस, बहुत सारा आपने नाम सुना होगा, बीटी का नाम, बीटी आपने काटन पे सुना होगा, बीटी का बहुत सारा जो है वेराइटी आ रही है, जिसपे भी बहुत सारे किसान भी कहते हैं कि बहुत अच्छा है, कुछ किसान कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा नहीं है। इससे रिलेटेड वेराइटी ऐसी आ गई है जो कि जिससे इस तरह के कीड़े जिसे लगते नहीं है, जैसे काटन में खासकर स्पेशली कपास में इस तरह के कीड़े प्रजातियाँ आई हुई हैं। बहुत सारी कंपनियों ने सरकारी संस्थान भी लेकर के आए हैं, सब्जियों में भी लेकर के आए हैं, जो कि एक एक कीड़ा है हेलियोफिस आर्मीजेरा, उसके रेजिस्टेंस के लिए जो है बीटी जीन डाल करके और प्रजातियों को निकाला गया है। तो अगर बीटी आपके पास उपलब्ध है या कहीं से किसी ऑनलाइन अगर उपलब्ध हो जाता है तो इसको ले सकते हैं, किसी विश्वविद्यालय के लैब से अगर मिल जाता है तो बीटी लेकर के आप इसको जो है अपने खेत में प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से एनपीबी है, ग्रेनुलोसिस वायरस है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं जहाँ भी उपलब्धता है। थोड़ी क्योंकि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ इसकी थोड़ी उपलब्धता उतनी मात्रा में हो नहीं पाई है, तो ये स्थानीय स्तर पर अगर इसके उत्पादन करके और किसानों को अगर उपलब्ध कराया जाए तो ये काफ़ी जो है इफेक्टिव मैकेनिज्म है, इफेक्टिव तरीका है, जिससे कि जो है इसको हम जो है प्रयोग कर सकते हैं और मतलब अपने बीमारी को और कीड़ों को रोक सकते हैं। बीज शोधन हेतु, जैसे कि किसानों ने इसको तैयार भी किया है, बीज शोधन हेतु बीज अमृत करते हैं। जैसे अभी हमारे पास इस समय धान की नर्सरी लोग डाल रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने रासायनिक दवाओं का प्रयोग किया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसान हैं जो पूछते हैं और उनको खुद पता होता है कि बीजामृत को कैसे बनाया जाता है। बीजामृत मिट्टी के बर्तन से, बीजामृत मिट्टी सीमेंट प्लास्टिक के बर्तनों में बनाया जा सकता है। इस तरह का कोई भी अगर बर्तन आपके पास है तो गाय का गोबर ताजा ले लीजिए, उसको 5 किलोग्राम, और उसको रात भर जो है जल में रख दीजिए, और गोबर में जल डालकर 3 बार उसको धो देना, मतलब अगले सुबह उसको धो लीजिए खूब बढ़िया से, और इसमें 5 लीटर गोमूत्र मिला लीजिए, और उससे आप अगर इसको जो है थोड़ी सी मिट्टी उसमें डालिए, थोड़ा सा भुझा हुआ चूना डालिए, और उससे अगर आप बीज शोधन कर देते हैं, बीज शोधन का मतलब कि धान का बीज है उसको उसमें डाल दीजिए और रात भर उसको जो है छान करके रात भर उसको सुखा दीजिए, तो जो भविष्य में जो धान की रोपाई के बाद जो बीमारी आने वाली है, कोई इस तरह की बीमारी आने वाली है, फंगस वगैरह या किस तरह की बीमारी आने वाली है, तो वो बहुत हद तक रोका जा सकता है बीज अमृत के माध्यम से। तो इसमें जो है इसको जरूर गोबर को और गोमूत्र को और बुझे चूने को मिला करके कैसे प्रयोग किया जा सकता है, कैसे उसका सदुपयोग, क्योंकि ये सब सारी चीजें आपके घर पे उपलब्ध है, तो रासायनिक दवाओं के बजाय आप अगर इससे बीज शोधन करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी जो है आप अपने भविष्य में जो होने वाले खर्चे हैं उसको आप रोक सकते हैं, जो रासायनिक दवाओं को खरीदने में लगता है। उसके अलावा जो है आप अपने घर अपने पैसे की बचत कर सकते हैं और अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं और उत्पादन ज्यादा लेकर के आय भी ज्यादा ले सकते हैं। जैविक खेती हो तो अमृत जल भी बनाया जाता है। अमृत जल को क्या होता है कि खेत में कम से कम दो बार इसका प्रयोग किया जाता है, एक बुआई से पहले आपको प्रयोग करना है, एक बुआई के बाद भी 25-30 दिन के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, देसी गाय का घी 250 ग्राम लीजिए, आप गुड़ ले लीजिए, शहद ले लीजिए या गुड़ ले लीजिए। अगर शहद लेते हैं आप तो आपको 500 ग्राम लेने की जरूरत है, गुड़ लेते हैं तो 1 किलोग्राम गुड़ ले लीजिए, गाय का ताजा गोबर ले लीजिए 10 किलोग्राम और 200 लीटर पानी ले लीजिए और इससे अमृत जल बना लीजिए। अमृत जल बनाने के लिए क्या है, इसको कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको छान करके, छानने के बाद जो है क्या है, जब आप खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस समय जो है बढ़िया गहरी जुताई कर रहे हो तो उसमें सिंचाई के पानी के साथ इसको पूरे खेत में आप मिला दीजिए, और जब मिला देंगे तो उसमें क्या होगा कि जमीन के अंदर जितने कीड़े हैं, धान में बहुत सारे कीड़े लगते हैं जो उसके जड़ों को खाते हैं, दीमक है, बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो उनके जड़ों को खाते हैं, तनों को शुरू शुरू में जिसे तना भेदक है शुरू में लगने लगता है, इसकी रोकथाम के लिए अमृत जल काफी मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव है।
इसके साथ साथ 25 से 30 दिन के बाद एक बार और सिंचाई का, जब आप सिंचाई कर रहे होते हैं उस समय जो है सिंचाई के पानी के साथ जो है जहाँ से आपका सिंचाई का स्रोत आ रहा है वहाँ पे इसको रख दीजिए, एक ड्रम करके छेद करके रख दीजिए और पानी के साथ धीरे धीरे पूरे खेत में ये मिल जाएगा। तो इससे जो है कीड़े जो है आपके कीड़ों को नियंत्रित आप कर सकते हैं अमृत जल से। जैविक खेती हो तो पंचगव्य, पंचगव्य का नाम बहुत सारे आप लोगों ने सुना होगा। इस तत्व के 3% घोल का हमेशा छिड़काव करते हैं और बनाते कैसे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। जैविक खेती है तो गाय के विभिन्न उत्पादों से बना प्राकृतिक आदान, जो गाय है गाय की 5 चीजों को हम इसमें मुख्यतः प्रयोग करते हैं। पंचगव्य इसीलिए इसका नाम बताया गया है कि हम 5 तत्वों का गाय से, जो गाय और गाय के जो उत्पाद हैं उससे जो भी चीजें निकलती हैं उसी को हम पंचगव्य बोलते हैं, उसी का हम लेते हैं। जिसको अगर पंचगव्य बनाना है तो आप गोमूत्र 3 लीटर लीजिए, गाय का गोबर 5 किलोग्राम लीजिए, गाय के दूध का दही ले लीजिए, दही 2 लीटर ले लीजिए या 2 किलो ले लीजिए, और गाय का घी ले लीजिए। आप 1 किलो ले सकते हैं तो थोड़ा सा गाय का घी महंगा भी हो जाता है लेकिन अगर थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन अगर 1 किलो नहीं हो पाता तो थोड़ा सा आप कम कर सकते हैं। 5 लीटर उसमें आप पानी ले लीजिए और शहद या गुड़ ले लीजिए। शहद लेना है तो 500 ग्राम लीजिए मधुमक्खी मधु, शहद का मतलब मधु, और गुड़ लेना है तो 1 किलोग्राम ले लीजिए और इसको सब मिला करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। और छोड़ने के बाद जो है इससे जो भी तत्व निकलता है उसको जो है आप 3% मतलब 3% अगर 3 मिलीलीटर इसको लेते हैं या 3 लीटर इसको लेते हैं तो आप बाकी 100 लीटर जो है आप ले लीजिए या 97 लीटर ले लीजिए पानी और उसको मिला करके पंचगव्य पर छिड़काव करिए। ये काफ़ी जो है असरकार है और असरदार है और इसको बहुत सारे जगहों पे लोगों ने टेस्ट किया है जो जैविक खेती कर रहे हैं, खासकर वो लोग पंचगव्य का जरूर प्रयोग करते हैं। जैविक खेती हो तो जैसे हमने अभी आपको पंचगव्य की बात बताया, बीजामृत की बात बताया, उसी तरीके से जीवामृत भी बनाया जाता है। 200 लीटर क्षमता के ड्रम या टंकी में 10 किलोग्राम गाय का गोबर लीजिए, 5 से 10 लीटर जो है उसमें गोमूत्र मिला लीजिए। अच्छी मिट्टी जो थोड़ी सी है, जहाँ पे आप खेती कर रहे हैं उस खेत की 1 किलोग्राम मिट्टी ले लीजिए और उसको अच्छी प्रकार से मिला लीजिए और इसमें गुड़ मिलाइए और उसमें थोड़ा सा दाल या भूसी, उसमें दाल की भूसी मिला लीजिए। इन सारी चीज़ों को मिला करके और एक प्लास्टिक या सीमेंट के बड़े बर्तन में इसको रख लीजिए और उसमें 200 लीटर पानी मिला लीजिए। 200 लीटर पानी मिलाने के बाद 3 से 4 दिन तक उसको छोड़ दीजिए। तो ये जो तत्व तैयार हेलो डॉक्टर उमेश प्लीज म्यूट होशियार सिंह नेगी। हेलो इसमें जो तत्व तैयार होगा जीवामृत में, हाँ इसमें जो तत्व तैयार होगा इसको हम छान करके और छिड़काव करें 3 से 4 बार अगर मिश्रित छिड़काव करें तो ये काफी जो है लाभदायक हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे अभी हमने बताया ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा बहुत सारे किसान जो है आजकल जो है रासायनिक दवाओं को कम पूछते हैं किसान और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और किसान अपने खेत के स्तर पर अपने घर में ट्राइकोडर्मा बाजार से खरीद करके लाते हैं। कृषि विभाग के पास उपलब्ध है, कृषि विश्वविद्यालयों में उपलब्ध है, कृषि विज्ञान केंद्रों में उपलब्ध है, वहाँ से ट्राइकोडर्मा का पैकेट खरीद पिलाते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है। इसको जो है लेकर के और ट्राइकोडर्मा को अपने गोबर के साथ मिला करके 3 से 4 दिन तक उसको रख दीजिए और उसके बाद उसको भली भांति मिला लीजिए और उपले का, जैसे गोबर अगर नहीं मिलता है तो उपले को तोड़ लीजिए उसको, और उपले को तोड़ने के बाद गोबर अगर मिलता है तो कम से कम 3 से 4 महीने पुराना होना चाहिए, उसकी सारी गैस निकल जानी चाहिए और किसी तरीके के साथ उसमें कीड़े वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर गोबर अगर आपके पास नहीं मिलता है 3 से 4 महीना पुराना तो आप उसको उपले को लेकर के तोड़ लीजिए और उसमें पानी मिला करके और ट्राइकोडर्मा का जो बीजाणु है उसको लेकर के और आप उसमें मिला करके और 7 से 10 दिन तक उसको जो है ढेर बना लीजिए और 7 से 10 दिन के बाद उसको थोड़ा सा मिलाते रहिए और नमी उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि नमी बनी रहे। जब इसका जो है फंगस तैयार हो जाएगा, जब उस पूरा उसका तत्व तैयार हो जाता है, इसको खेत में मिला करके आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। ये काफ़ी जो है फंगस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उसको रोकने में काफी काम आता है। इसी तरीके से वेबेरिया बेसियाना है, ये सफूत के बीजाणु जो है जो इसका जो वो है बीजाणु है वो काफी जो है इफेक्टिव होता है और ये जो कीड़े हैं, कीड़े की जो त्वचा है उसको हम क्यूटिकल बोलते हैं, उस क्यूटिकल के अंदर से ये प्रवेश कर जाते हैं उनके आंतरिक तंत्र में, उनके इंटरनल सिस्टम में, उनके अंदरूनी भाग में प्रवेश कर जाते हैं और जिससे कि कीड़ा जो है जिस कीड़े के ऊपर अगर इनके छिड़काव हो जाता है या उसके टच में आ जाते हैं वो कीड़ा जो है बीमार होकर के और इस फंगस से मर जाता है। तो ये काफ़ी वेबेरिया बेसियाना भी काफ़ी जो है बाजार में उपलब्ध है और इसको लेकर के आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अन्य सुरक्षा उपाय जैसे हैं NPP है, बहुत सारे आप जैसे चना वगैरह देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे देखे होंगे
आपने देखा होगा वायरस, ये एनपीवी का मतलब है नॉन पॉलीहेड्रल वायरस, एड्रेस वायरस। इसमें क्या होता है, इस वायरस से जो भी कीड़ा प्रभावित होता है वो उल्टा लटक जाता है। तो पहले आज के 5 या 7 साल पहले एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था इस तरह के कीड़ों को इकट्ठा करके, और स्थानीय स्तर पे किसान अपने स्तर पे क्या होता था कि इसको पीस करके और इसको पानी में मिला करके इसका सारा इसका तत्व तो निकाल करके, और उन्हीं जो स्वस्थ कीड़े हैं उनपे अगर छिड़काव करते थे, जो बीमार कीड़ों को इकट्ठा किया उनसे उसका तत्व तो निकाला और स्वस्थ कीड़ों पे अगर उसका स्प्रे कर दिया तो वो स्वस्थ कीड़े इस वायरस से प्रभावित हो जाते थे, मतलब संक्रमित हो जाते थे, और उससे जो है ये कीड़े बाकी सब कीड़े मर जाते थे। फेरोमोन ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप का मतलब होता है कि जो नर कीड़ा है और मादा कीड़ा है, तो मादा कीड़े से कोई ऐसा तत्व निकाल करके और उसको एक डिब्बे में करके रखा जाता है, उसके अलग अलग आकार के डिब्बे आते हैं उसमें रखा जाता है फेरोमोन ट्रैप को, और फसल के बीच खेत में कहीं रख दीजिए, एक अगर 1 हेक्टेयर का या 1 एकड़ का, एक एकड़ की अगर हम बात करते हैं तो 1 एकड़ में अगर हम 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप अगर रख देते हैं, कीड़ों के हिसाब से अलग अलग प्रजातियों की, कीड़ों की प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग फेरोमोन ट्रैप आते हैं, उन प्रजातियों उनको चयन कर लीजिए जो कीड़े आपके खेत में लग रहा है उसको प्रयोग कर लीजिए, और उसका लेकर के उसके बाद फिर जा करके आप इसको फेरोमोन ट्रैप को प्रयोग करिए खेत में, तो कीड़े नर कीड़े इससे इकट्ठे होते हैं और उसके बाद उनको इकट्ठा करके आप उसको मार सकते हैं। अभी जैसे धान की खेती हो रही है, शुरू हो रही है, हम कुछ दिन के बाद रुपाई करेंगे, मैं सभी किसानों से जो इसको सुन रहे हैं या जो जो आप किसी को मैसेज दे सकते हैं, सबसे ज्यादा इफेक्टिव कंट्रोल का होता है जो हम जैविक खेती में इसको कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का प्रयोग करना, प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना। आप जाइए शाम को 7 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास अंधेरा हो जा रहा है खेत में आपके, अंधेरा होता है उस समय आप लाइट ट्रैप लगा दीजिए, 2 घंटे कम से कम लाइट ट्रैप लगाइए, अगर मरकरी का बल्ब मिल जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है, उसका आप प्रयोग करिए, 2 घंटे लाइट जला दीजिए खेत में, या ट्यूबवेल अगर हो तो वहां पर जला दीजिए, आप देखेंगे कि बहुत सारे कीड़े उस पर इकट्ठे होते हैं। आप नीचे उसके उस रेत टाइप का बड़ा सा कुछ रख दीजिए बर्तन, और उसमें हल्का सा किरासन का तेल रख दीजिए, उसमें सारे कीड़े गिर जाएंगे, उनको इकट्ठा करके मार सकते हैं। इससे सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके खेत में जो कीड़े लग रहे हैं एक तो उनको इकट्ठा करके आप मार सकते हैं, दूसरी चीज ये है कि अगर पहले दिन 200 कीड़े आए, कुछ दिनों के बाद जो है 300, अगले दिन 250 आए, उसके बाद 500 आए, किसी किसी दिन ऐसा महसूस करेंगे कि हो सकता है कि उसी 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर 5,000 कीड़े आ जाएंगे, उसके जो है जो खासकर जो ये उड़ने वाले जो खासकर जो तना बेधक कीड़े हैं ये रैपिस पे होते हैं, इस तरह के जो कीड़े हैं जो उड़ करके आ रहे हैं उस पर गिर रहे हैं, तो उनकी जनसंख्या अगर मान लीजिए आज अगर 500 है और अगले दिन 2,000 हो गया, उसके अगले दिन 5,000 हो गया, तो आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत सारा प्रकोप होने वाला है। तो आप उस समय जो है नीम से बने हम जो भी प्रोडक्ट बताए हैं आपको, उन प्रोडक्ट को उसको अपने घर पे तैयार करके और उस फसल में आप छिड़काव कर देते हैं, खासकर धान में छिड़काव कर देते हैं, इनका प्रकोप हो जाएगा। बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं जो आप पीला ट्रैप है, येलो ट्रैप उसको बोलते हैं, उसका भी प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारे कीड़े इकट्ठे होते हैं। आप अपने खेत में पीले रंग का एक ट्रे बनाइए, और अगर ट्रे आपके पास लोहे की चद्दर हो तो उसको पीले रंग से रंग दीजिए और उस पर ग्रीस लगा दीजिए, उस पर बहुत सारे कीड़े सुबह सुबह जाएंगे, आप तो देखेंगे अट्रैक्ट होकर के उसको चिपक करके चिपके हुए हैं, तो इसको एलो ट्रैप से जो है आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने देखा बहुत सारे टिड्डे आ रहे हैं, बहुत सारे टिड्डों को जो है पकड़ने के लिए हो रहा है, तो कैसे उसको भगाने की व्यवस्था हो रही है, हाथ से उसको पकड़ने की बात हो रही है, ड्रम से उसको जो है हल्ला ड्रम से उसको आवाज करिए, बहुत सारे नगाड़े बजाने की बात चल रही है, बहुत सारी चीजों को हो रही है, लेकिन अभी बहुत सारे जो है गुजरात में महाराष्ट्र में ये देखा जा रहा है और कुछ जगह कुछ पोर्शन है पाकिस्तान उसमें देखा जा रहा है, इन कीड़ों को बच्चों को बताया गया है कि भाई आप 1 किलो टिड्डा इकट्ठा करके लाइए, हम आपको इतने पैसे देंगे, इन टिड्डों को इकट्ठा करके और मुर्गियों को भोजन के रूप में पीस करके दिया जा रहा है, तो ये भी एक जो है एक तरह से हम आपको कह सकते हैं कि जैविक सुरक्षा के उपाय में इसको हम लगा सकते हैं। कीड़े अगर आपके खेत में लग गए हैं तो रस्सियों को चलाएं, एक खेत में एक तरफ और दूसरे तरफ रस्सी लंबी रस्सी पकड़ करके, और अगर हम पानी खेत में भरा हुआ है और रस्सी को लेकर के चलते हैं तो सारे कीड़े जो पत्तियों के तनों के होते हैं वो पानी के अंदर गिर जाते हैं और वो पानी के अंदर गिर करके मर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ढोल नगाड़े की हमने बात किया, आपको मित्र कीट है उनको जो है हमको काफी जो है मतलब बचाने की जरूरत है, लाभदायक जीव हैं
उनको लाभदायक जीवों को जो है संरक्षित करने की जरूरत है, जैसे गौरैया है, चिड़िया है, बगुला है, तीतर है, मेढक, इन सब ये सब जो हानिकारक कीड़े होते हैं इनको खाने का भी काम करते हैं, इनको भी हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है, इनको भी बचाने की जरूरत है। इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें हैं जो हम अगर प्रयोग करते हैं और रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो इन जीवों को संरक्षित करके हम उनको बचा सकते हैं और हमारे जो नेचुरल कंट्रोल है, ये जो स्वाभाविक नियंत्रण है, उसको जो है ये उसमें काफी जो है मतलब सपोर्ट करते हैं। इंसेक्ट पेस्ट जो हमारा और डिजीज का जो थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ हमारी स्लाइड हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, कल कुछ किसानों ने कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं हिंदी में होना चाहिए, पहले ये हमने बना रखा था, तो मैंने कुछ मतलब 20-25 स्लाइड बनाया कि मैं ऑर्गेनाइजर से जानना चाहूंगा कि कितना और समय हमारे पास है जिसपे कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको कि जैविक नियंत्रण कर सकते हैं, खेतों की साफ सफाई काफी इंपॉर्टेंट है, जो कुछ अभी कहीं कहीं पे हम देख रहे हैं कि जैविक खेती में कुछ पेस्टिसाइड्स को भी, जो पौधों से बनी हुई पेस्टिसाइड्स है उसको प्रयोग करने के लिए सरकार ने परमिशन कुछ दे रखी है, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह है या बॉटनिकल्स हैं, जो रोटिनेन है, नीम है, पैराथ्रम्स है, जो नीम से बन रहा है या उस तरह से अलग अलग है, उनको भी सिंथेसाइज करके और रासायनिक दवाओं के रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है। और रासायनिक दवाएं नहीं है, वो पौधे से निकली हुई दवाएं हैं, इसलिए जो है उसको कुछ हद तक परमिशन दिया गया है जो जैविक खेती में उसको प्रयोग किया जा रहा है। क्रॉप रोटेशन अगर हमने बताया फसल चक्र को कैसे जो है आप मैनेज करेंगे और फसल चक्र में बहुत सारी फसलों को कैसे समावेशित करेंगे, एक फसल के कीड़े दूसरे फसल के कीड़े पे दूसरे फसल पे नहीं लगते हैं, तो इस तरीके से हम जैसे हम एक पांच रो एक जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं कि जैसे पांच कोई भी एक फसल पांच लगा दिया, जैसे मक्का है, हमने पांच लाइन मक्का लगा दिया, तो एक लाइन या दो लाइन अगर हम बाजरा लगा देते हैं तो जो मक्के में कीड़े यहाँ से वहां अगर शिफ्ट करने वाले हैं वो बाजरे पर जाकर के रुक जाते हैं और उससे हमको मुख्य फसल जो हमारी मक्का है उसको हम बचा सकते हैं। उनका आने वाला क्या प्लान है बात के गाड़ी में भेजने के लिए? हेलो हेलो, इस तरीके से जो है हम अपना जो अगर जैसे सपोज करिए अभी हम मौसम का परिवर्तन देख रहे हैं, जलवायु परिवर्तन काफी हो रहा है, तो हम जैसे सरसों के खेत में सरसों की खेती के बारे में खासकर हम देख रहे हैं कि इस समय जो हमारा पहले जो सर्दियां होती थी काफी 25 दिसंबर या 20 दिसंबर के बाद सर्दियां होने लगती थी, लेकिन ये सर्दी का शिफ्ट हो गया है जाकर के सर्दी अब जनवरी में करीब करीब हो रही है, बहुत सारा टेम्परेचर नीचे जा रहा है। तो हम अगर इस सरसों के खेत में अगर हम सरसों की बुआई में अगर हम देख लें कि हमारा एफिड कब लगने वाला है और उसका जो है अगर हमारे पास पहले से डाटा अगर उपलब्ध हो जाता है और हम बुआई के समय को थोड़ा आगे और पीछे कर लें तो मुझे लगता है कि हम एफिड को कंट्रोल करने में काफी सहायक हो सकता है। अगर हम आगे पीछे कर अपनी बुआई के समय को जो है बीज रेट को बीज दर को हमेशा जो है ध्यान रखना चाहिए कि बीज जितनी जरूरत है उतना ही हमको प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आप जाइए उनको देखें कि जितना अगर वैज्ञानिक बताते हैं कि इतना ही आपको बीज जरूरत है उतना जो है आप बीज उससे ज्यादा काफी मात्रा में ज्यादा बीज कर देते हैं, उससे क्या होता है आपका पौध घनी हो जाती है और उसके बाद जो है इससे भी कीड़े लगने की काफी संभावना हो जाती है। जो प्रजातियां आपके क्षेत्र के लिए उपलब्ध है आप सुन करके मत करिए, आप अगर रहने वाले हैदराबाद के हैं और जो प्रजाति बनारस में चल रही है वो हैदराबाद में हो सकता है ना चले, जो लुधियाना में जो प्रजाति है वो हो सकता है गाजियाबाद में और मेरठ में ना चले, तो जो प्रजातियां आपके इलाके के लिए रिकमेंडेड है उसी उन्हीं प्रजातियों का आप प्रयोग करें और उनको जो है समय से बीजामृत से बीज शोधन करके अगर प्रयोग करते हैं और जब उसका समय कहा जाता है। बहुत सारे जगहों पे ये देखा जा रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि लोग जो है 10 मई को ही अपना धान की नर्सरी लगा देते हैं, ये वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है इस तरह का, तो आप जो है उसमें और बहुत सारी समस्याओं को आप दबा देते हैं। और इस तरह से जो है फील्ड का साइज आपका किस तरीके होना है उसमें आपका खरपतवार को नियंत्रित करेंगे, बहुत सारे ऐसे खरपतवार होते हैं खेत की सफाई इसीलिए जरूरी है कि बहुत सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो कीड़ों के छिपने का काम करते हैं, कीड़ों को अल्टरनेट पोस्ट या एक तरह से अतिरिक्त जो है पौधे के रूप में वो दिखते हैं कि भाई अगर मुख्य फसल हमारी उपलब्ध नहीं है तो हम चलो खरपतवार के ही अपना जीवन यापन करके और जब मुख्य फसल आवे तो उसमें हम अपना अटैक कर सकते हैं, इस तरीके से जो है हम ये प्रयोग कर सकते हैं। ट्रैप क्रॉप लगाया जाता है, बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का प्रयोग हम करते हैं जैसा कि हमने पहले बताया, बीज शोधन के लिए हमने बताया राइजोबियम से कर सकते हैं आप, एजोटोबैक्टर से कर सकते हैं, एजोएस्पर्लियम से कर सकते हैं, ये बायोफर्टिलाइजर है,
और पीएसएम से कर सकते हैं आप, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये काफी अच्छा होता है, इसका जो जो है जरूर प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पे किसका प्रयोग करना है ये आपको जानने की जरूरत है, उसके बाद आप इसका प्रयोग करेंगे। जब भी प्रयोग करेंगे वैज्ञानिकों से बात करके, कृषि विभाग के अधिकारियों से बात करके, कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों से बात करके इसे तब आपका प्रयोग करेंगे। राइजोबियम किस में प्रयोग होगा, एजोटोबैक्टर किस में प्रयोग होगा, एजोएस्पोरिलियम किस पे प्रयोग होगा, इस पर आपको पहले जानकारी रखने की जरूरत पड़ेगी। जैसे अभी हमने देखा ट्रैप क्रॉप, हमने बताया कि मुख्य फसल को बचाने के लिए दूसरी कौन सी फसल ऐसी बो दीजिए जिससे कि जो है कीड़े को भ्रमित कर दिया जाए। जैसे अगर हम कपास लेते हैं और मूंगफली लेते हैं तो उसके साथ हम कैस्टर की अगर खेती कर देते हैं तो वो टोबैको कैटरपिलर है, उसको जो है रोकने में काफी सहायक होता है। हमने पहले ही बताया आपको कि मक्का अगर आपकी मुख्य फसल है तो 5 या 6 रो आप मक्के की बोइए, साथ साथ 1-2 रो जो है आप ज्वार सरगम की बो दीजिए। तो सूट फ्लाई है, तना बेदक है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कपास बो रहे हैं तो उसमें प्याज और लहसुन बो दीजिए, तो इसमें थ्रिप्स है और थ्रिप्स का काफी जो है मतलब जो थ्रिप्स काटन में लगता है उसको हम रोक सकते हैं। प्लांटिंग डेट्स के बारे में हमने बताया, सिग्निफिकेंट प्लांटिंग डेट्स का जो पेस्ट पॉपुलेशन पे कैसे जो से पता होता है। अगर हम पहले अगर अपनी मतलब रोपाई कर देते हैं धान की तो लीफ फोल्डर से काफी जो है हम बच सकते हैं, लेकिन इतना भी पहले नहीं हो जाना चाहिए कि पानी बहुत ज्यादा एक्सेस मात्रा में हम दे दें। जैसे धान के में एक ब्राउन प्लांट हॉपर लगता है, तो अगर हम जुलाई के अगर अंत में अगर हम इसकी जो है वो कर देते हैं तो जा करके जो है काफी जो है मात्रा में इसको हम इसी आंध्र प्रदेश वगैरह में जो है इसको काफी प्रयोग मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है। सरगम है उसमें लीफ हॉपर लगता है, तो इसकी अगर हम थोड़ी सी देर से बुआई करें तो मुझे लगता है कि काफी हम कंट्रोल कर सकते हैं लीफ हॉपर को। टोमेटो मतलब जैसे टमाटर है, मिर्च है, इसमें थ्रिप्स का काफी ज्यादा अटैक होता है, तो अगर हम जैसे इसमें रासायनिक दवाओं को न प्रयोग करके अगर हम इसको देर से थोड़ी सी बुआई कर दें तो जो है हम थ्रिप्स का प्रयोग थ्रिप्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। पौधे की मात्रा कितनी होनी चाहिए उतना ही आपको प्रयोग करना है, ऐसा नहीं ऐसा ना हो कि 5 हमारे पास तो इतना मजबूत कर देते लोग, मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ कि मैं वापस कर जाए। मैं पूछा कि वहाँ का शिफ्टिंग कर रहे नहीं दिए अभी तो शायद आज उन्होंने नहीं दिया, तो मांगा था ना काफी मुकेश मांगा था कभी परसों डाल लेट है नहीं उन लोग अभी 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 हाँ अभी कुछ नहीं किया। अभी फिर मिश्रा जी के जैसे बात हो रहा था उनसे, मिश्रा जी ने कहा कि बहुत सही है, आपने स्क्रीन पे देखा है ये बहुत सारे इंसेक्ट हैं जिनको कि हमको प्रिजर्व करने की जरूरत है। किसान आपस में इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं, ये हमें जो है हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पेस्ट है और कौन सा हमारा हानिकारक है, कौन सा इसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। हमारे जो लाभदायक कीट हैं इसके बारे में हमको जानने की जरूरत है, इनको पहचानने की जरूरत है, और कहीं ऐसा ना हो रासायनिक दवाओं से इनको हम कभी मार देते हों और ये हमारे नेचुरल सिस्टम को रोकने को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं। ये हमने आपको देखिए मास ट्रैपिंग के लिए हमने बताया था आपको कि इसमें लाइट ट्रैप से, यही जो लाइट ट्रैप है इसको अगर हम खेत के बीच में लगा देते हैं और अगर 1 एकड़ में 3 से 4 अगर लगा देते हैं और इसमें अगर मकई का बल्ब लगा देते हैं और नीचे आप देख रहे होंगे डिब्बे के साथ, डिब्बे में कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये काफी जो है कंट्रोल भी करते हैं और इससे हमको पता भी लग जाता है कि हमारे जो मुख्य फसल है उसमें बहुत बड़ी समस्या अगर कोई आने वाली है कीड़ों की तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये फेरोमोन्स है जो हमें बताया आपको, फेरोमोन्स की जो लिस्ट है कि किसी भी कीड़े के लिए कोई भी फेरोमोन नहीं चल जाता है, अलग अलग कीड़ों के लिए अलग अलग फेरोमोन्स बाजार में उपलब्ध हैं, प्रयोगशालाओं में उपलब्ध हैं, तो
जो आपके क्षेत्र में कीड़े लग रहे हैं उसी का फेरोमोन आपको लेकर के ले जाकर के लगाना है। ताप बोरर तना बेधक के फेरोमोन को अगर आप चाहेंगे कि उससे जो है पत्ते गोभी के कीड़े को अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो नहीं होगा। गन्ने वाले गन्ने के कीड़े के लिए जो फेरोमोन है उसे आप चाहेंगे कि फ्रूट फ्लाई को अगर हम कंट्रोल करें तो उससे नहीं होगा। तो जो आपके यहाँ समस्या है उसी का फेरोमोन ट्रैप आपको यूज करने की जरूरत है। ये फेरोमोन ट्रैप के अलग अलग है, येलो ट्रैप है उसके अलग अलग आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। इस तरीके से पीला जो है वो लगा दिया जाए, अगर हम कपड़ा लगा दें या कपड़े के साथ साथ बोर्ड लगा दें और उस पर अगर पीले रंग से रंग दें, ग्रीस लगा दें तो हम काफ़ी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ फ्रूट फ्लाई को जो है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके लिए मिथाइल यूजिनाइल का जो ट्रैप है उसको हम यूज करते हैं फ्रूट फ्लाई के कंट्रोल करने के लिए। रेजिस्टेंट वेराइटी जो है बहुत सारी उपलब्ध हैं, जिसमें कि कहा जाता है कि कीड़े अगर ये प्रजाति बोएंगे तो ये कीड़े नहीं लगेंगे, ये बीमारी नहीं लगेंगी। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देख लीजिए कि कौन से आपके क्षेत्र में समस्या है, अगर उसकी कोई प्रजाति उपलब्ध है उस फसल की तो आप उसका प्रयोग करिए। कोई भी प्रजाति लेकर के अगर आप लेते हैं, प्लस हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे किसान जल्दी जनरली गलती क्या करते हैं, बहुत सारे यूरिया नाइट्रोजन का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक तो जैविक खेती में नाइट्रोजन का प्रयोग करना वर्जित है, और उसके साथ साथ अगर कोई आप गलती से आप कर देते हैं तो वो जो है हमेशा जैविक खेती के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। करने की जरूरत ये अलग अलग नेचुरल एनिमीज हैं, जो ट्राइकोग्रामा है, कोटेसिया है, टोलनमस है, इन सब एनपीबी है, इनको हम वो लैब से लाकर के दोबारा मतलब इसको हम उपयोग कर सकते हैं। और हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब कीड़े जो है जब नुकसान वाले स्तर पर होते हैं तभी इनका प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद। Now the session is open for the discussion. सर कुछ questions आए हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। बताइए। सर पहला जो query आई है वो मीनाक्षी सनमल जी की आई है। डॉक्टर अभिषेक कैन यू ओपन योर वेबकैम टू शेयर योर वेबकैम में। आई हैव सेंड यू दैट वेब रिक्वेस्ट प्लीज। हां हां नहीं पड़ा है इतना बोलता है। Umesh, I think there is some problem in connection of the webcam. Hello. No, it's all right. Okay. No, it's all right. Yeah. So the first question is, sir, Madam Meenakshi Sanwal wants some guidance regarding training. Wo training ke regarding koi guidance chahti hain aapse ki kahan training kare. अगर हेलो
जी वेलकम बंद हो गए पर आ गए ऑडियो आ गया आपका हेलो आप बोल रहे थे कि बाहर थे हाँ आ रहा था हाँ मैं सर आपका ऑडियो आ गया फोन ना गया होगा हेलो 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 अभिषेक जी हाँ जी सर अब आवाज आ रही है आपको आवाज ही नहीं हेलो क्या हो गया हेलो मयंक सर यू आर ऑडिबल हेलो उनका पास फेस करिए हेलो मयंक सर आपकी आवाज आ रही है हमारे पास आ रही है हमारे हेलो डॉक्टर अभिषेक नाम से भी मैं सर आपकी आवाज हमें आ रही है आप एक काम करिए अपने जो कि आपका हेडफोन है उसको एक बार फिर से कनेक्ट करिए निकाल के फिर से एक बार कनेक्ट करिए हमें तो आपकी आवाज आ रही है हेलो हेलो यस यू आर ऑडिबल सर हेलो 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 नहीं है नहीं ऐसा है ना अभिषेक जी हाँ जी क्वेरी ले लीजिए मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा व्हाट्सएप पे हाँ 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 सर सर बिल्कुल बिल्कुल ऑल राइट सर ठीक है ना ओके ऑल राइट सर तो मैं इसको फिनिश करूँ अपना नहीं नहीं यस सर यस सर यस सर ओके आवाज ही नहीं आ रही उनको बताया नहीं जा रहा बता रहे हेलो डॉक्टर अभिषेक कैन यू कंक्लूड हां हेलो हेलो डॉक्टर अभिषेक यू कैन कंक्लूड प्लीज जस्ट कनेक्ट सर ओके मिकी माइक आ रहा है हां थैंक यू वेरी मच मयंक सर आपने बहुत ही प्रैक्टिकल जानकारी दी हमें और इस रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट हो चुके हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप उसे सुने तो आप वहीं पे और उत्तर दें तो इस सेशन के बाद आप इस लेक्चर के बाद हमारे बीच है डॉक्टर देव सिंह जी जो एक प्रगतिशील किसान है बुंदेलखंड क्षेत्र के देव सिंह जी बहुत समय से ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हुए हैं और उनके कई सारे प्रोडक्ट्स ये खुद वैल्यू एडिशन करके करते हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा उमेश चंद्रा जी से कि देव सिंह जी को वो कनेक्ट करें यस 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 ओके ओके वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आई वांट टू शेयर वन मोर इंफॉर्मेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट दैट आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर इज आल्सो नाउ यहां आ जा रही थी नाउ ही आ रही थी अपने मोबाइल से कनेक्ट हेलो हेलो डॉक्टर अभिषेक आई एम ऑडिबल या यू आर ऑडिबल प्लीज कनेक्ट देव सिंह जी ओके ओके आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट डॉक्टर देव सिंह शुड आई कॉल हिम स्वागत है देव सिंह जी आप मुझे सुन पा रहे हैं हेलो डॉक्टर देव सर हेलो
देश अपना जरा म्यूट का बटन जैसा ऑन कीजिएगा। हेलो हेलो डॉक्टर देश हेलो डॉक्टर देव सर इंटरनेट बहुत हुआ हेलो डॉक्टर अभिषेक आई थिंक देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम इन हिज एंड सॉरी मे बी देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम इन हिज एंड यस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम इज देयर दैट इज द प्रॉब्लम सो ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद अस यस डॉक्टर देव सर आर There is an internet problem there. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, hello, Dr. Des, sir. Hello, Dr. Des, sir. Dr. Des, sir. हेलो डॉक्टर साहब देव सर मैं सुनाई दे रहा हूँ आपको सर हेलो हेलो सर मे बी देयर इज एन इंटरनेट प्रॉब्लम दियर सर आपकी तरफ इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है इस वजह से कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही हेलो डॉक्टर देव सर डॉक्टर अभिषेक देर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम दी आई थिंक So, just hold on, I'm coming. हेलो देव सर
हेलो हेलो देव सर हेलो देव सर देव सर आपको आवाज आ रही है मेरी क्या वो एयरफोन पर जब तक कोई कनेक्टिविटी प्रॉब्लम सर इंटरनेट की प्रॉब्लम आ रही है आपके यहाँ से आ रही है सर तो बोली जैसा एयरफोन पे बोलिए मैं देखना चाहता हूँ हेलो बट आपकी आवाज नहीं आ रही सर मेरे को मेरे पास बिल्कुल कोई आवाज नहीं आ रही सर आपकी आवाज नहीं आ रही हाँ तो फोन से अगर आप चाहो तो वो हेलो 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 डॉक्टर अभिषेक हाँ हाँ उमेश आई एम ऑडिबल यू आर ऑडिबल या ओके डियर पार्टिसिपेंट्स हमारे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स और उधर देव सिंह जी की तरफ नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम के कारण हम उनका लाइव वीडियो आपको नहीं पहुंचा पा रहे हैं लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम टेलीफोनिकली उनकी बात आप तक पहुंचा पाए तो मैं उनको अपने मोबाइल फोन से ही उनकी वॉइस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ लेट्स सी कितना सक्सेसफुल होता है हेलो सर एक बार बोलने की कोशिश करें सर हाँ जी उधर से चेक करें जरा बोले सर हाँ जी 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 आप सुन हम सुन पा रहे हैं आपको हाँ एक सेकंड बस हाँ सर बोले प्लीज जी जी आ रही है सर सबसे पहले तो अपना यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह के कार्यक्रम की वेबिनार भी स्टार्ट हुआ ये तो कंसेप्ट बहुत पहले से हमारे हिसाब के मन में चल रहा है बुंदेलखंड को लेकर और बहुत ही अच्छी तरह से प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से आपने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की
वो मैंने लगातार एक दो तो मैं मिस कर गया, मगर बाकी मैंने सारे लोगों को सुना और उसको सुनने के बाद सबसे बड़ी खुशी थी कि तो जो आपने स्पीकर थे उनको बहुत प्रॉपरली आपने रिजल्ट ओरिएंटेड किया। अब मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि जिस तरह से मेरा ऑफिस है बुंदेलखंड के लिए, इधर से बुंदेलखंड के विकास के लिए जो स्कोप है और फ्यूचर स्ट्रेटेजी का ऑर्गेनिक फार्मिंग में बुंदेलखंड, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आगे जाना चाहूंगा। जैसे उसके पहले हमारे भारत भूषण जी ने बहुत अच्छी तरीके से इस विषय को रख दिया जैविक खेती के बारे में, और डी के सिंह जी ने भी उसके प्रैक्टिकल आस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से रखा। और इसके बाद हमारे जो आज के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट थे उन्होंने भी इसको विषय को बहुत अच्छी तरीके से रखा, और मुझे लगता है कि इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उनको इन जनरल इसका वर्चस्व बन गया होगा। अगर अब हमारे जितने किसान भाइयों को व्यवहारिक तौर से जो चीजें समस्याएं आती हैं और जितने हम कितने समय से उससे काम कर रहे हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि ये वास्तव में अगर कोई कॉन्सेप्ट है उसको हमें प्रैक्टिकली जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें किस तरह की समस्याएं आती हैं। हम कोई स्ट्रेटेजी करते हैं, प्लान करते हैं, फिर उसको हम ग्रास रूट पर ट्रांसलेट करते हैं तो हमें समस्याएं आती हैं, और ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाती। इस विषय पर जब हमारे इसी साथ से भी जो बहुत से लगन से चाहते हैं कि हाँ पर वर्क हो, तो हमने उनसे भी विषय पे बात करने के बाद चीजें ओवर कर जाएंगे, और इनके सुनने के बाद से भी हमें ये लग रहा है कि जिस तरह से कोई और उस प्लानिंग के रूपरेखा को जब हम जमीनी लेवल पे गए रहे और जिस तरह से जितनी योजनाओं को भी लेकर के किया गया स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं या दूसरी तरीके से हुआ, क्योंकि हमीरपुर तो एक जैविक जिला के तौर पर हुआ था, उस पे बहुत बड़े लेवल पे बड़े में काम हुआ, मगर उस चीज में हमने देखा कि हमारे किसान भाइयों को एक ऊपरी लेवल तक इस चीज की थोड़ी थोड़ी चीज समझ हुई। उसमें कि बहुत बड़ा आस्पेक्ट था कि जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट होने चाहिए थे उसका बहुत अभाव था। अब वो इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट में हमारी रुचि आ जा रही है। यहाँ पर साइंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि एक आम आदमी चीज को लेके चलता था, और अभी भी एक धारणा है कि हम लोग ये समझते हैं कि हम इसको जैविक खेती को कुछ चीज को समझते हैं, और हमारे यहाँ पर तो पहले से प्रारंभ से था। मेरा ऐसा मानना था कि मानना है कि प्रारंभ से चीजें थी तो, मगर अब हमारी चीजें दूषित हो गई, मिट्टी भी कई जगह पर हमारी जिस तरह से या बीमार हो चुकी, हमारी खाद्य श्रृंखला बीमार हो चुकी। हम पहले कहते थे कि इलाज से बेहतर परहेज है, मगर अब मुझको ऐसा लगता है कि परहेज और इलाज दोनों की आवश्यकता हो गई है। हमें परहेज भी करना पड़ेगा, प्रिवेंशन देने पड़ेंगे, और जहाँ जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई हो वहाँ पर उसका उपचार भी करना होगा, और ये समाधान लेकर के यहाँ पर इंडस्ट्री का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसानों के बीच में जाने में, समझाने में, बताने में, क्योंकि अभी मोटी मोटी धारणाएं एक चीज और जो बड़ी उभर करके आई है और जो आवश्यकता महसूस हो रही है वो है हमारे नई टेक्नोलॉजी को लेकर। अब ज्यादातर ऐसा रहता है कि जिस टेक्नोलॉजी को लेकर के भी लोगों ने कुछ लोग बहुत ही एडामेंट है कि इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, मगर अब समस्याएं दूसरी होकर के उभर के आ गई, इसलिए वहां पर हमारे छोटे या मीडियम साइज के या बड़े किसान इन तीनों को ध्यान में रख करके हमारी अलग अलग प्लानिंग होनी चाहिए, और इन तीनों को ध्यान में रख करके हमारे जो हमारा एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, विजन कैसा होना चाहिए, इन तीनों सेगमेंट में अलग अलग हमें काम करना पड़ेगा। एक्शन प्लान हमें अलग बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी को हमें अलग डिजाइन करना पड़ेगा, और विजन को हमें अलग से लेना पड़ेगा। ये हमने बुंदेलखंड में देखा और चीज समझ में आया कि जमीनी काम किया बहुत अच्छा है बुंदेलखंड भारत जी ने भी बोला, और वैसे भी जैसे बुंदेलखंड के ऐसे जिनको हम ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट उस भाषा में बोलते हैं कि ठीक है, मगर अभी जो ऑर्गेनिक बाय डिफॉल्ट इसकी जो कमजोरी है ये वीकनेस है, जो वीकनेस है इसको हम एक्सचेंज के तौर पर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं,
यहाँ पर हमें लगा कि जो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है जो किसी न किसी रूप में हमारी इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर बेस्ड है, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी ज्यादा आवश्यकता है। अब उस एग्रीकल्चर सिक्योरिटी में हमें जी समझ में आ रहा है उसमें हमारा जो एग्रीकल्चर जो हमारा रूरल सेक्टर है, एजुकेशन है और हेल्थ, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल करके आ रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों सिक्योरिटीज को मीट आउट करेगा और ये करेगा एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस चीज के लिए हमें विलेज लेवल पे प्लानिंग करनी हो, जैसे हम लोगों ने बनाया और काम करने से हमें समझ में आई कि हमने पहले यूनिट बड़े लेवल पे जैसे हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट को दिया डिस्ट्रिक्ट बेस्ड योजना करी, वो हमें कब से कब चीजें समझ में आया है क्लास रूप से कि हमारी योजना है या हमारे कोई ऐसे कार्यक्रम वहाँ पर असफल हो पा रहे हैं। तो हमें तो इस तरह से यूनिट एज एन इंडिविजुअल चीजें हैं और इसके बाद उस इंडिविजुअल को जो एक रोल मॉडल बनता है उसी के आस पास को लेकर के हम इसको ग्रुप पे फॉर्म में करेंगे और ये विलेज को फिर हमारे घर आए विलेज वाले कंसेप्ट में भी इसमें आ जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि एक्टिव चीज सबका ज्यादा होने लगती है ये विलेज लेवल तक भी एक्टिव हो जाए। अगर इस तरह की कोई अवधारणा बनती तो विलेज लेवल से फिर हमें डिफरेंशियल जो रीजनल डिफरेंशियल है उसको आइडेंटिफाई कर सकते और वो जब अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल और वोकल करने के लिए लोकल ये इस तरह से चीजें होंगी और इसी की प्लानिंग की जरूरत है। और जब अगर हम जो योजना बनाते हैं जैसे बुंदेलखंड के लिए क्योंकि बुंदेलखंड के भी सातों डिस्ट्रिक्ट में हमारे डीसी साहब ने इस तरह की चौहान ब्लॉक में हमने दो दो गाँव को अनाउंस किया उसमें काम करने के लिए तो हमें हर ब्लॉक में भी और उन विलेज की भी अलग अलग योजनाओं को लेकर बनाना पड़ेगा। इसके बाद उस विलेज के आस पास को हमें अपने तौर पर क्रिएट करना चाहिए कि उधर पर उस तरह की कौन सी चीजें हैं जिसको हम ब्रांडिंग कर पाए। इसी तरह से थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि हमारा 3 इयर्स हो, 7 इयर्स हो, 15 इयर्स हो, एक्शन प्लान हमारा 3 इयर्स का होना चाहिए, स्ट्रेटेजी हमारी 7 इयर्स की होना चाहिए, विजन हमारा 15 इयर्स का होना चाहिए। हमने इस तरह से इसको सर्वे करके वर्क करके टीम लेकर के डेवलप करते हैं और उसके आधार पर चलेंगे तब हुआ। अभी हमने जो जनरल डिस्ट्राइज में वर्क हुआ ये जो सरकारी अभी मैंने चर्चा है सुन रहा हूँ जो बताया है सब चीजें किया तो आप इन जनरल देखिए चर्चा तो बहुत हो गई है, लोगों में भी चर्चा बहुत हो गई और पता भी हो रहा है मगर हम सच्चाई से देखें क्या वास्तव में वो चीजें सही तरीके से न तो फार्मर कर पा रहा है न वो सफल हो पा रही है। इन इंस्टीट्यूट के हुए कहीं कहीं लोग जो है कुछ लोग अच्छा करने लगे मगर अच्छा करने से किसान इन जनरल की समस्या नहीं सॉल्व हो पा रही। किसान इन जनरल की समस्या तो तभी ही सॉल्व होगी कि वो नॉलेज से इम्पावर्ड होना चाहिए पहले ही, फिर उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और ये दोनों चीजों के लिए हमारी एक जगह पर तो हमारी सरकार आती है, एक जगह पर हमारी यूनिवर्सिटी करोल महत्वपूर्ण हो जाता है और यूनिवर्सिटी ही उसके कोर सेंटर में हो सकती है, वही फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस का काम कर सकती है। इसी तरह हमें इस विलेज को हम यूनिट विलेज बना लें और उस यूनिट विलेज को लेकर हम कुछ गाँव को सात आठ गाँव को लेकर के विलेज बना दें। जैसे हमने अपने कंसेप्ट में भी डिस्कस किया है कि हम उसको ग्रीन हब विलेज बोल सकते हैं और उस ग्रीन हब विलेज में जो उतने के आस पास का जो है उसको तो अभी तो चलिए बहुत अच्छे रिलेशन हो गए पीएमसी वगैरह में ये सारा चीजें और फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएगी तो ये चीजें सब ऊपर अगर से जा सकती है क्योंकि आप देखेंगे जालौन में चले गए तो मटर बहुत होता है, इधर हमीरपुर में देखेंगे तो यहाँ पर चीजें बहुत होने लगती है, यानी अलग अलग चीजें हो जा रही हैं और उधर भी क्योंकि वेरिएशन करें तो कुछ विलेजेस में भी अंदर चला जाता है। तो अगर हम फोकस करें पहले चाहे वो ग्रुप फॉर्म में करें और मगर वो लिंकेजेस जो हमारा यूनिवर्सिटी के केंद्र में हो और यही यूनिवर्सिटी हमारी बैकवर्ड लिंकेजेस का हो का काम कर दे, जोड़ने का काम कर दे, साइंस यूनिवर्सिटी से हो जाती है तो साइंस की कनेक्टिविटी हमारी उसकी ऑथेंटिसिटी साइंस के इन्वॉल्व होने से जो प्रोड्यूस है जो फॉर्मर का जो चीज है उसकी क्रेडिबिलिटी से तो ये बैंक का हो जाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया और इस तरह का कार्य चालू कर दिया यूनिवर्सिटी ने ये बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि हमारी यही आवश्यकता थी कि हमारे बुंदेलखंड के लिए इसकी सबसे बड़ी ग्लोबली चैलेंज के तौर पर हो सकती है और इसी तरह जैसे हमने रखा है कि हम लोग आज का जैसे विषय भी है सिक्योरिटी एंड मीटिंग ग्लोबल डिमांड
लेकिन ग्लोबल डिमांड को लेकर के सिर्फ फूड को लेकर के बुंदेली करने को बहुत बड़ा हब बन सकता है, मगर इसके ट्रेनिंग जरूरी है कि हम सफल कैसे हो पाए, क्योंकि हमने चर्चा करके कभी जानते हैं कभी कोई कार हुआ, जब तक एक सिस्टम में बॉडी वर्किंग बॉडी स्ट्रक्चर और सीमेंटेड स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता वर्किंग का एग्जीक्यूशन का ऑपरेशन करने वाला, तो रिजल्ट हमें बहुत ही स्लो आएंगे और बड़े लंबे समय में आएंगे। तो चर्चा तो हो जाती है, अब वो प्रॉपरली समझ पाया मयंक कुमार जी ने जो इतनी चीजें डिस्कस कर ली, इन जनरल कोई चीजें उन्होंने बता दी टाइम के बारे में ऐसे बता देना, मगर हमें इसकी आवश्यकता ये हो जाती है कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट वो लोग जुड़े और हम एक ही बिजनेस पे फोकस करें। मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है काम करने से हमको ये समझ में आ रहा है कि दरअसल स्कूल को गाँव में ही उजाना चाहिए, क्योंकि हमको किसी समय किसी भी तरह से कुछ समय तक लगातार एक वर्ष तक एक ब्रिज को पूरी तरह से यानी 100% काम हो तो वो इवॉल्वमेंट होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम तब तक क्या कहती चीजें उसको अवेलेबल होने चाहिए वो बड़ी जल्दी होने लगती है, आवश्यकता पड़ जाती है और वहीं से हमारा जो फॉरवर्ड लिंकेज का काम चालू हो पाए। आदि व्यवस्थाएं भी बनाई जा रही है, हम उसको व्यवस्था को आज भी हमारा किसान या सिस्टम या हमारा जो उपभोक्ता है उसको अवेल नहीं हो पा रहा है, बहुत से लोग ऐसे मार्केटिंग करने वाले हो गए हैं, मगर सच्चाई में कुछ लोग तो बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने उत्पादों को लेकर भी जा रहे हैं, मगर बहुत से ऐसी भी चीजें हैं कि जो सही तरीके से ना होकर के उपभोक्ता तक जा रही है, उपभोक्ता भी हमारे लिए बहुत जिम्मेदारी का काम है और किसान के लिए और रही चीजें, क्योंकि ये जो बात है जिससे अपने चीज को लेकर के निसंदेह उसको मैं ये बात को कहूँगा कि इसमें बहुत ही अपॉर्चुनिटी है और हमारे युवाओं के लिए इतनी ज्यादा जैसे उनका नॉलेज एक्सपोजर होगा ट्रेनिंग होगी और वो उसके मतलब अपर लेवल तक उसके स्कोप को विजुलाइज कर पाए तो निश्चित तौर पर जाए, मगर उनको हेल्प की आवश्यकता है, आवश्यकता सबसे ज्यादा नॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर, और गवर्नमेंट सेक्टर जिसे मान लीजिए वैल्यू एडेड ट्रेन को डेवलप किया मगर वो आज तक भी रिलैक्स नहीं हुई। आप देख लें कि अगर हम ऐसे एमएसएमई में देखें एक भी प्रोजेक्ट हमें पूरे डिस्ट्रिक्ट में या बुंदेलखंड में देख लीजिए कहीं पर हुआ हो कि कितना प्रॉपर हुआ हो, तो वो चीजें हमारी बातें हैं बहुत सी चीजें मगर ऐसा कहीं पर भी हो नहीं पा रहा है, हम जो कर भी रहे हैं तो वो एक कॉस्मेटिक टाइप का हो पा रहा है, ये आंसू पोंछा जैसा काम हो पा रहा है, ये चीज नहीं हो पा रही थी। इसके लिए हमें उन बच्चों को भी चेंज करना होगा और जहाँ जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके कोई स्कीम बना करके प्रूफ करा दे और वहां पर आपकी पूरी हेल्प हो जाए, ये हुए मतलब आपका मेरे कहने का मतलब इन चीजों का यूनिवर्सिटी का इन चीजों को बनाए, क्योंकि जो बाकी तो स्कीम्स को विभागों का डिपार्टमेंट पर लागू करना और वो किस तरह से उनमें लाभार्थियों का चयन वो सिर्फ अलग से हो जाता है। जो अगर स्ट्रेटेजी की बात होगी तो मैं एक लाइन में ये कहूंगा कि विलेज ब्लॉक और विलेज लेवल ये एक स्ट्रक्चर बनाना होगा और एक कंसोर्टियम में हमें काम करना पड़ेगा, जिसमें अभी आप अगर हम सोचें कि मान लीजिए वर्ग हमारा गांव का हमने एक ही आइडेंटिफाई किया मगर वहां पर इतनी सही सब सारी चीजों का समर्थन हो जाना चाहिए। आज अभी क्या स्कीम होती है विलेज में सब अलग अलग तरीके से चीजें जाती होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग चीजें जाती है, कोई कन्वर्जेंस नहीं है, तो दरअसल नीचे वहीं विलेज से ही स्टार्ट तैयार हो स्कीम हो मेथड हो विजन हो वहाँ का और वो फिर सारा चीज वहीं पर बचे तब वो रिजल्ट होगा। मान लीजिए वहां पर हमने कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट सारे ग्रुप में समूह में एसओ बना के क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमने उसको फॉरवर्ड लिंकेज करा दिया और उसकी प्रोसेसिंग जब नक्सी हमारा सहयोग कर रही है साइंस हमारा सहयोग कर रही है तो उस पर आम आदमी का भरोसा कहीं ज्यादा हो, जो हमारे उपभोक्ता है उनको ज्यादा होगा। अभी आप इस कार्यक्रम समय आप इंडिया फोन देखिएगा कितने लोग अगर आप उसको बोल देंगे गलत आदमी को अगर आप वोट कर देंगे तो उसमें वो भरोसा करेंगे, क्योंकि साइंस पे भरोसा है लोग इस चीज पे भरोसा और हमें थोड़ा समस्याओं को लेकर के भी हमें थोड़ा जो अभी वर्तमान में हमारे सेक्टर है जिस समय की वो चीजें तो उसमें भी हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल देखना होगा, क्योंकि साइंस में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें आ गई हैं जिनको हमें उपयोग करना चाहिए, छोटा किसान है तो छोटी तरीके से यूज करें। मान लीजिए हम ऑर्गेनिक आपने पेस्टिसाइड और इन सब
कंट्रोल के बारे में कर रहे थे। मेरा ऐसा मानना तो कर ही रहा हूँ, इतने वर्षों भी करने के बाद में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है सदैव ऑर्गेनिक में। अगर वेजिटेबल्स में चीजों में जाए तो आपको इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे उसको हम कंट्रोल करें, क्योंकि उसमें कहीं मेथड नहीं है टू किल का। अब मेथड कहीं टू किल का नहीं है तो प्रिवेंट करना है तो उसमें बड़ा लॉस होता है, लॉस होता है। और उसमें अगर इन चीजों को बताना है तो फिर मैन पावर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, इस तरह से उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाता है, उसमें जो वर्किंग है उसी में ही इन्वेस्ट ज्यादा हो जाता है। और ऐसे में फिर मार्केट में उसको प्राइस बराबर नहीं मिल पाता होता है। तो ये बात तो सही है कि लंबे समय के बाद वो सिस्टम इवॉल्व होता है, मगर इस चीज को भी समझना चाहिए। अगर हम वहां पर मान लीजिए ऐसे हम बाजारों का ऐसे हम उपयोग कर सकते तो हमें करना चाहिए, मेरे ये कहने का मतलब है। और जो टेक्नोलॉजी भी आ गई है तो उसका भी करना चाहिए। हम अभी भी अगर हम कहेंगे नहीं ऐसा इसका मत करो, ये तो जैविक ऑर्गेनिक नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए अगर हम कुछ यंत्रों का उपयोग नहीं करते, हमारे पास श्रम नहीं है, लेबर नहीं है, तब तो किसान कर ही नहीं पाएगा, किसी भी तरह सफर हो ही नहीं पाएगा। तो उसको प्रैक्टिकल देखना होगा, बीच का ही देखना होगा। मान लीजिए यूएस वगैरह में वहाँ पर लीजा एप्लीकेबल है, यानी आपको सर्टेन परसेंट आप उस तरह खादों को यूज कर सकते हो। हमारे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग मानक है जहाँ पर करते हैं। हमारे नीम में जापान में तो नीम उपयोग से बैन है, आप किसी तरह यूज ही नहीं कर सकते नीम का, कोई भी अपने किस्मत नहीं कर सकते उसमें। ईयू में देखें तो वहाँ पर दूसरे मानक हैं। का मतलब है कि अभी हमारा इंडिया खुद में ही बहुत पोटेंशियल है दोनों तरीके, प्रोडक्शन में और कंज्यूमिंग में। तो हम इसको भी अगर हम देख लेते हैं अपने सेक्टर को ही, अगर हम इंडिया को भी देख लेते, मगर हमें वास्तव में पॉलिसी करनी होगी सप्लाई चेन, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर तक करनी होगी। अब प्रोड्यूसर के सामने प्रॉब्लम है बिकॉज वो नॉलेज इम्पावर्ड नहीं है, ये चीज है। और उसको अब उसको पूरी तरीके से जैसे बहुत अच्छी बात की भारत भूषण जी ने कि व्यवसाय वाली बात करेंगे। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई देखो तंत्र मंत्र यंत्र, अब मंत्र तो नॉलेज है, अब हम तंत्र कहेंगे तो सिस्टम एक ऑर्डर को इवॉल्व करना होगा। यंत्र मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी, इन तीनों का संगम होगा। और किसान एक ऐसा है कि किसान नौकरी नहीं कर रहा है, मगर वो नौकर नहीं है तो व्यवसायी है, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और वो सभी चीज का आधार बन रहा है, तो व्यवसायी हो सकता है, व्यापारी नहीं जो उन्होंने सर्वे में बात की, मगर व्यवसायी बनना पड़ेगा। और व्यवसायी बनने का रास्ता ही बड़ा एसपीओ आया, जो बात से है कि इतने एसपीओ बने हैं वो भी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, मगर इन्हीं चीजों पर हमें लगना होगा। नहीं भी काम कर पाए मगर काम करना होगा। अब अगर वहां पर एसपीओ भी प्रॉपर नहीं कर रहा मगर कोई इंडिविजुअल है इंग्लिश के तौर पर भी काम कर रहा है, तो उसको लेकर के भी हमें डेवलप करना होगा। हमें कहीं पर किसी भी तरह है तो वो हर जगह की जैसी जैसी प्रॉब्लम आती है उनको उसी तरह से फोकस करके करना होगा। और उसमें इंडस्ट्री का रोल हर जगह पर है, मतलब हमारे बच्चों को भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उस तरह से भी, और फार्मर को भी लेकर के बढ़ा के काम करने के। ये तो बहुत अच्छा काम हुआ और बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। और बुंदेलखंड में जहाँ तक इंडस्ट्री है जिसके की बात आती है, और इस वजह से हम लोगों ने तो तैयार करके कंज्यूमर तक पहुंचाना चालू किया, खुद में भी कर रहे हैं कुछ किसानों के लिए, मगर वो लंबे समय तक नहीं चला, क्योंकि किसान ये सोचता है कि उसका प्रोड्यूस बहुत महंगा मिलता है। आप समझते हैं क्या, वो जो प्रोड्यूस भी है वो भी प्रॉपर नहीं है उसका, आगे जाओ तो पूरी जो क्रेडिबल सप्लाई चेन है वो खत्म होती है, मानकों के आधार पर होता है। ये नॉलेज भी होना उसका जरूरी, वो अपना ले और सही करें जिससे वो सही मायने में कर सके, मगर वो जब सारा काम करता है तो मार्केट नहीं पकड़ पाता है, मार्केट वाले फिर कोई दूसरे आ जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान फिर हमारा ग्रुप ही है, एफपीओ ही है, कि एफपीओ ही प्रॉपर तरीके से चले। तो जो एफपीओ के बारे में जो बने हुए हैं उसके से संबंधित भी उन लोगों को जो एफपीओ के मेंबर हैं उनको इसकी प्रॉपर समझ नहीं है कि हम इसको कितना अच्छा कर सकते हैं, ये क्या चीज है, है ना। तो वो तो एस पी ओ बनाने वाली एन जी ओ ने या उन्होंने ये काम करा जैसे एस एस जी बना दे, जिसमें एस पी ओ भी बना दो, एस एस जी जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, उसमें जितने योग्य लोग नहीं होते हैं तो उस सब्जेक्ट को प्रॉपरली समझ के उसकी उपयोगिता को समझ करके सस्टेन कर पाए। तो वो तो फोकस का ही हो रहा था, हम क्रिएट करते हैं, तो
मेरे दो इशू आते हैं, नॉलेज एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूशन। नॉलेज का ऑपरेशनल पॉइंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी भी हमें भी डिजाइन करनी चाहिए बुंदेलखंड के लिए, और वो मुझे लगता है विलेज लेवल से ही फोकस करके करना चाहिए। और हर जगह के रिजल्ट अलग अलग होंगे, तो कहीं पर कुछ लोग बहुत अच्छा करने होंगे तो वहाँ हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। और इसी तरह से जब बनते आगे मान लीजिए पूरे बुंदेलखंड में इस चीज को जैविक कॉरिडोर को लेकर के किया गया, मगर अभी वो एक कंसेप्ट ही है, क्योंकि वास्तव में एक बहुत ही काम होता है, बहुत काम करना पड़ेगा। अभी हम लोग इसे मृदा परीक्षा का काम करवा रहे हैं पूरे उसमें पूरे जिले का मृदा परीक्षण के लिए, ये पूरे देश में तीन ही जगह को लेते हैं, हमारे नोडल एजेंसी पतंजलि को लेंगे, हरिद्वार हरिद्वार और नागपुर, लगभग 1,00,000 सैंपल आए हम लोगों ने मृदा परीक्षण करवाए हैं। लगभग लेवल पे काम कर रहे हैं जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, ट्रेनिंग देने के बाद मगर अभी किसान नहीं फॉरवर्ड होता आगे आता, उसे तो मुझे मतलब बच्चों नहीं कराना है, मुझे नहीं जमा सकता हूँ, क्योंकि अभी उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म नहीं है कि वास्तव में से कितने बेनिफिट होंगे। पहले में तक अच्छा हुआ तो वो कार्ड एक पता करें कि बाद पे आ या पूरे करने गरीब रखे होंगे, वो आज तक ही नहीं जान पाया, तो वो तेरे तक मतलब ऐसा तो कई बार होता है, ऐसे कुछ होता नहीं है। तो किस तरह की जो है अगर उसी चीज को लेके भी जाते होते हैं तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बार बार होते रहने से उन चीजों को उसका विश्वास नहीं बन पाया है। ये कैसे है मेरा प्रश्न हुआ, कार्ड दे के रख दिया, कभी उसने किया अप्लाई किया कि नहीं किया, नहीं हुआ। तो अभी जैसे हमारा पूरे उसमें चल रहा है, पूरे जिले में हर किसान का हर खेत का मृदा परीक्षण होना, और ये लंबे समय से पूरे में चल रहा है, हर गाँव गाँव विलेज विलेज पर हर तरीके से। तो अभी भी हमें इस काम को कराने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें तो ये समझ ये चीजें आ रही है कि किसान ही उस चीज के बारे में आगे नहीं आता है, काम करने वाले जानने वाले बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमको वो डॉक्यूमेंट नहीं देगा, मेरा पर्चा भी नहीं कराएगा, मिट्टी ही नहीं लाएगा, तो ऐसी कौन सी स्थितियां बनती चली जा रही है। इसको ये मानना है सबसे पहले एक्सपोजर नॉलेज, मगर जितना ज्यादा इसकी ज्यादा आवश्यकता है फिर वहां पर हमारे काम है। इसी तरह की स्थिति कोई भी बहुत सिंपल एक चीज को लेकर के हम चले और उस विजन को लेकर के चले जो बहुत इजीली वहां पर हो, काम हो भी रहा है, मतलब ऐसा नहीं काम हो रहे हैं, मगर वो सब कंपोजिट फॉर्म में सेगमेंट और सीमेंटेड फॉर्म में नहीं हो पाते हैं। तो कहीं पर ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई बहुत अच्छी चीज कोई डेवलप होकर के आगे हम तो कर जाए, आज बीजेपी के मॉडल डेवलप हो गया, अब इस मॉडल को इमिटेट किया जाए, और जब तक ये चीजें नहीं हो पाती है तो वो जनरल इम्प्लीमेंटेशन में इजी हो जाता है। तो इसके बारे में कमिटमेंट डेडिकेशन हार्डवर्क बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये चीज उस लेवल से ही करनी होगी। हम भी सेमिनार सब चीजें करना और जमीन पे भी काम करना, मगर ये इस तरह से इंडस्ट्री का आना ये बहुत अच्छी पार्ट है, क्योंकि पहले से भी चीजें बनी, हम लोग इंडस्ट्री से ये समझते थे कि हमारा पार्ट टीचिंग का है, ये हमने बच्चों को सिखाना, मगर एक्सटेंशन पार्ट पार्ट उससे भी कई गुना इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम्पल भी होता है होगा, मगर कुछ ना कुछ होता ही होता है और उसी में से कुछ चीजें बढ़ जाती होती है। ये स्ट्रेटेजी को मेरी यही जो क्योंकि मेरा बिजनेस तो बताओ भी बहुत ज्यादा बोलने के लिए, मगर वो सारा सब चीजें तो बोल दी गई है, कुछ ज्यादा कुछ पता नहीं है, मगर मैं दो तीन चीजें और इससे हट करके बोलूंगा, चीज से स्ट्रेटेजी से हट करके, कि अगर हमने कहा कि वैल्यू वाली लाइफ, आखिर हम ये काम सब चीजें क्यों कर रहे हैं, जब तक हम इसको ऑपरेशनल परस्पेक्टिव में नहीं देखेंगे तब तक ये प्रॉब्लम है। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक ऐसा पार्ट मान सकते हैं कि ये फार्मिंग एग्रीकल्चर से ही सिंपली रिलेटेड है, नहीं ये मैसेज शुरू से ही देना चाहिए, बताना भी चाहिए कि ये पूरे फॉरेस्टिक लाइफ एवरी पीस एंड एवरीथिंग से रिलेटेड है, इससे बेहतर कोई कार्य और हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई भी एक चीज पूरी अगर हम देखें तो पूरी एनर्जी पूरी ब्रह्मांडीय व्यवस्था को लेकर काम कर रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कोई भी सारे तो एग्रीकल्चर की बात नहीं है, ये तो तरह की बात होने लगी, और अगर समझते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी तो हिंदी लेयर सब जगह वर्क कर रही है। अभी उन्होंने जो जैसे कहा नेचर की बात, हमने
अभी उन्होंने विनोद जी ने कल उनसे सवाल किया था भारत सुभाष से कि आप आस्तिक किस सेंस में कह देंगे, मगर विनोद जी ने उसी आस्तिक को ज्यादातर बोला है ना, क्योंकि वैल्यू वैल्यू सिस्टम पे बोला, ये बहुत इम्पोर्टेंट। उन्होंने जैसे योग बोला, हम भी जैसे हम देखेंगे हम कहते हैं हम थोड़े ही इस तरह से भी काम करते हैं, तो जब तक हम अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू अपने आप को मेरे मानने का मतलब जब हम अपने को वैल्यू दें और वैल्यू ऐड करें, इन्वेस्ट करें, इन्वेस्ट होंगे, जब हम थॉट और वैल्यू इन्वेस्ट होंगे तभी वो हमारे एक्सेस में ट्रांसलेट होंगे। जब तक ये चीजें नहीं आती तो हमारा वर्क में हम वहाँ पर जान सकते हैं। अगर हम सिर्फ इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि हमारा कहाँ पर फोकस होता है, ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा कमाएगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, जिससे कोई को ज्यादा फायदा होगा, ये जो विषय है ये उसकी सिर्फ ग्रीड को जनरेट करता है। ये जब हम बार बार कहते हैं कि किसान का ज्यादा फायदा होगा, तो किसान इकोनॉमिक टर्म में नहीं सोचता है, वो फायदा इन होल इन ऑल में ही कंसिडर करता है। तब वो समाज को क्या सोचता है, अगर उसका 2 क्विंटल का पैनल है, अगर आप उसके पास लेने जाते हैं तो उसको अगर वो 2 क्विंटल के आपके लिए उसको कहने तक बांधने वाले थे तो मैं प्रिंटिंग हो सोचता है, इसीलिए हमारी प्रेजेंटेशन बांधी जाएगी। हम ग्रीड नहीं, इसमें सर्विस, मतलब ऐसा हो कि इतना पुनीत कार है, इसमें इतना अच्छा कार हो रहा है कि ये दिल्ली फैट भर गए, ये तो हर तरीके से सभी के लिए है, सब चीजों से जुड़ा हुआ है। अभी हम किसी के भाई वो विश्व मुक्त खास प्रदान जो भोजन प्रदान करने की एक संकल्प की साधना है हम सारे संसार को, जब हमारे अंदर ये भी संकल्प होगा तभी ये चीज आएगी, और ऐसा ही रखना होगा तब ये चीज आएगी, ये वर्क है और पूरी उसमें डेडिकेट हो, मगर थोड़ा ऐसा समझाना बताना पैसा मैं, क्योंकि उसकी नॉलेज का बहुत अधिक होती है, किसान बहुत दिक्कतों में है और अभी भी है, और ये बराबर करना, मगर मैं तो थोड़ा अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार ने मतलब बहुत जल्दी समय में बहुत बड़े सेक्टर में किया और ऑर्गेनिक बड़े लेवल तक बहुत लोगों तक पहुँचा है, और ये आप उसकी पैरेलल व्यवस्थाएं करके फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग इतना बड़ा बहुत है, फार्मिंग तो जल्दी आ जाए, हमारा जो बैकवर्ड वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर इशू आए हमारा फॉरवर्ड लिंकेजेस पे ही वहीं पर है, तो उसके लिए जब तक हमारा बैकवर्ड और इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं क्रिएट होगी तो हमारा फॉरवर्ड लिंकेजेस भी कमजोर रहेगा। देश की ऑथेंटिसिटी क्रेडिबिलिटी के लिए ही हमारी ऐसी स्ट्रेटेजी हमें डिजाइन करनी होगी, वो विलेज बेस्ड हो, और विलेज बेस्ड जैसे हमने कहा हमने उसको उन्नत ग्राम समूह का नाम दिया है कि ये हमारे उन्नत ग्राम समूह बने, ग्राम का ग्राम बने, फिर ग्राम का समूह बने, वो क्लस्टर ऑफ द विलेज इस तरह से पहले उतने में फोकस करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगा है कि लगातार काम करते रहने की जरूरत पड़ती है, तो आप ज्यादा समय नहीं निकाल सकते कि बहुत बड़े लेवल पे चले जाओ दूर कर लो ऐसा भी कर दो, तो इंटेंसिव काम करना होगा, तो इसी तरह से अलग अलग तरह की पॉकेट डिजाइन करनी होगी और ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और हमें उसको क्लासिफाइड करना होगा 3 लेवल पे, एक्शन स्ट्रेटेजी एंड विजन, हमको इस चीज पे लेना होगा कि हमारा एक्शन प्लान 3 ईयर का, हमारी स्ट्रेटेजी 7 ईयर की, हमारा विजन 15 ईयर, तो इसपे लेवल पे अच्छा सर्वे करके और उन चीजों को प्रॉपरली डेटाबेस बना करके तब हम वहां से प्लानिंग कर पाएंगे, और फिर वहां पर हम ग्राम पंचायतों को और हम सरकार को सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विजन दे पाएंगे, योजना दे पाएंगे, और वो योजना ऐसी हो सरकार की योजना है और विलेज लेवल की वो कन्वर्जेंस हो, वो सिस्टम इंटीग्रेशन में जाता हूँ विलेज लेवल पे, दो चीजें होंगी, आप तो बड़ी चिंता हो जाती है कि ऐसा हो रहा है, मगर हम सच्चाई से देखें, ईमानदारी से देखें कि वास्तव में ऐसा हो पाया तो ऐसा नहीं हो पाया, और करना सब कुछ ऐसा है, दुकान सब कुछ बनाना चाहता है, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ सबसे मांगता, अभी से मांगता हमारे पास नहीं होता, हम कहाँ से मम्मी वो चाहते कि नहीं आप दे दीजिए आपको सही दे देंगे, सही दे देंगे तो छोड़ दे देंगे, किसान से पूछो उसने अगर एक पता चले कि कितना कुंटल हुआ है वो बोल देगा, अगर खरीदने से तो 20 क्विंटल भी बोल देगा, 50 भी बोल देगा, मेरे पास 50 क्विंटल डेरी रखा हुआ है, तो ये बहुत मिस्ट है, और मिस्ट हम अपने कॉन्फ्रेंस में चीजों में भी बोलते हैं, सेमिनार में भी बोलते हैं, हम ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि जिसमें जिसमें बड़ा फायदा है, तो ये उनको एक बहुत ही प्रैक्टिकल
बोले सर। हाँ चलिए, मैं अपनी बात, मुझे लगता है मैं ज्यादा समय दे जा रहा था, मैं कि आपकी स्पीच को, आपके सारे लोगों को इतने बड़ी मेहनत, बड़े लंबे समय से आपने काम किया और ये अपना वर्क किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अशोक कुमार जी, भारत भूषण जी, डॉक्टर पी के सिंह जी, लाहौली जी, हमारे मैनेजर जी, इन सभी लोगों को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ, मैं सबसे बाद में मुझको बोलने का मौका मिला, मुझे इन सब लोगों को सुनने का मौका और इनसे मेरे बहुत ज्ञान का वर्धन हुआ और इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी लोगों को अपनी मेहनत के बाद की बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर देव सिंह जी, आपने बुंदेलखंड के परिदृश्य को, ऑर्गेनिक परिदृश्य को बहुत ही खूबसूरती के साथ हम सबके सामने रखा और इससे हम सभी लाभान्वित हुए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑलमोस्ट डन विद ऑल अवर लेक्चर, सो आई इनवाइट डॉक्टर भानु प्रकाश मिश्रा, को चेयरमैन ऑफ दिस टू डेज वेबिनार ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, टू कंक्लूड द सेशन। Over to you, sir. Hello, Bhanu sir is not audible, yaar. Bhanu sir is not audible. Wait, yeah, I'll call clear only. Wait. Hello, Bhanu sir. Your voice is not audible, sir. Awaaz nahi aa rahi hai. Hello, dear participant, please wait for 2 minutes. Okay, there is some internet connectivity problems, so we are. Okay. Hello, Dr. Chandra. Hello, not audible. Hello, sir, you are audible, sir. You can start, sir. Okay. Okay, thank you so much. I, Dr. Bhanu Prakash Mishra, welcome you in concluding session of 2 days national webinar on organic farming, a sustainable way for ensuring livelihood and meeting the global demand, organized during 5th and 6th June 2020. The Honorable Vice Chancellor, Banda University of Agriculture and Technology, Dr. U.S. Gautam sir, Dr. Ashok Kumar Yadavji, Advisor, Organic Farming, Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India,
Sri Bharat Bhushan Tyagi ji, a Padma Shri awardee and pioneer worker of organic farming and natural farming. Professor D.K. Singh ji, a renowned agriculture scientist and academician from Govind Ballappan Agriculture University, Pantnagar. Sri Vinod Kumar Lahoti ji, Chief Managing Director of GeoLife Group, Pune. Dr. Mayank Rai, Head KVK Gautam Budh Nagar, Noida. Dr. Dev Singh ji, a progressive worker, farmer, and famous social leader in Bundelkhand region. And if I talk from the participant side, from the farmers, Rahul Awasthi ji, Shyam Sundar Rajput ji, Rajveer Singh ji, Professor H.L. Singh ji from Meerut, Dr. Amod Sarma ji from Nagaland University, and Dr. Shailesh Singh ji, Joint Director Seat from NHRDF, Nasik, Pune. Sir, it's a matter of pride to share with you the 2 days national seminar, which was attended by 100 participants through online and 100% attendance. Friends, in this webinar, we have had a very diverse group of participants. That is, we have 46 academicians and scientists from 28 universities and research institutions of ICAR and CSIR from across the country. In this webinar, we have registered 22 number of students from 10 different universities. We have also registered the 8 number of farmers from 3 states of the country and some 6 young entrepreneurs from the various places of the country. If I talk about the number of institutions from where we have get the participants, then it's altogether 28 institutions have been registered, and we have get the participants from all the extreme corners of the country, from extreme east to west and from extreme north to south. Likewise, we have the participants from J&K, the Sere Kashmir University of Agriculture and Technology. We have the participants from Madhya Pradesh, J.N. KVB University, Jabalpur, and Rajmata Vijay Rathi Scindia University, Gwalior. We have the participants from 2 universities of Gujarat, that is Sardar Kurshinagar Agriculture University, Dantewada, and Junagadh Agriculture University, Junagadh. We have the participants from Northeastern India, that is from Nagaland Central University, Nagaland, College Sasad, Medji Pema, and we have the participants from Sikkim. From Bihar, we have the participants from Dr. R.P. CAU, as well as we have the participants from Bihar Agricultural University, Sabur, and Women's College, Patna. We have the participants from 2 different institutes of Chhattisgarh, that is Guru Ghasidas University, Bilaspur, and Indira Gandhi Agricultural University, Raipur. From Rajasthan, the 3 universities have registered, that is MP UAD Udaipur Agriculture University Jodhpur, and Swami Keshwanand Rajasthan Agriculture University Bikaner. From Uttarakhand, we have the participant from JB Panch University Palnagar. From UP, if I talk, then we have the participant from MIT University, we have the participant from Banaras Hindu University Varanasi and BUT itself. From West Bengal, we have the participants from Vidhan Chandra Krishi Vishwavidyalaya, Nadia Mohanpur, and the participant from University of Kolkata also. We have get the participants here from the Tamil Nadu, that is Annamalai University, Chidambaram, and from Kerala Agriculture University, Thrissur, as well as the participant from National Horticulture Research and Development Foundation, NASIC. Now come to the conclusion and recommendation of this webinar, 2 days webinar. I have compiled and given some sort of the conclusion in very nutshell, and I am going to keep in front of you point wise. Number one, the organic farming requires more research to make this organic farming model more profitable and sustainable, as well as it should be very, very popular among the farmers. The organic farming should also be taken in a mission mode and needed to be nurtured by the financial support from the state governments and central government. Hence, it is the government should initiate the national mission on organic farming to promote the organic practices
in the country. Until and unless shall understand that the farm, his own farm, as a business, it is not only possible to promote the organic farm. Until and unless he understand his farm as a business, it should not be considered as a medium of survival or livelihood. Hence, we need here to change the mindset of the people. We have to promote the organic farming as well as simultaneously we need to maintain the biodiversity too for protection of the environment. To promote the organic farming, we have to strengthen the research and extension system as well as we have to promote the various community-based organizations of the farmers such as self-help groups, farmer producer organizations, farmers interest group, etc. The government should also help the young entrepreneurs who are willing to opt organic farming as their business venture. Hence, here we should be thankful to Sri V.K. Lahoti ji for his maiden efforts in promoting the various organic inputs through his own business venture. The India share in the world about the area is only 3% in organic farming, while Australia is having the highest area under the organic agriculture. Hence, we need to increase the area as well as the production and productivity of organic products. We need to make the certification process more easy and affordable, as well as we need to concentrate to make the strategy for marketing of organic products to ensure the maximum income sale reach to farmers. We also need to promote more linkages between the various research institutions, various government offices, various public and private sectors, nationally and internationally, to invite and various people in research in organic farming, as well as we also need to unite on different platforms or create the specific platform to address the different issues and needs related to organic farming in India. Friends, with this, I shall stop my speech here, and I would like to extend my heartfelt thanks to the organizing secretaries of this program, especially Dr. Pankaj Vodha and Dr. Abhishek Kalia, for providing me this opportunity to interact with you all. Thank you all. Jai Hind. Thank you, sir. Now, I would like to invite Dr. Pankaj Ojha, Organizing Secretary of this 2 days webinar on organic farming, for delivery of the vote of thanks. Yes, sir. Hello. 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 Yes, sir. Hello, Pankaj. Hello, Dr. Pankaj. Pankaj. Yeah. You are audible. Okay. आप सभी को नमस्कार। आज हम अपने 2 दिवसीय वेबिनार के समापन की ओर हैं। इस दौरान हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग के विभिन्न क्षेत्रों में बातें की, सारी बातों का गहनता से विश्लेषण किया
हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी विस्तार से बना तथा उसके लिए विभिन्न दिशा निर्देश हमारे एक्सपर्ट द्वारा दिए गए। इन दो दिनों में एक्सपर्ट्स द्वारा हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी प्राप्त हुए, जिसे हम आगे पॉलिसी मेकर्स तक जाएंगे। इन दो दिनों में कुल 6 सेशंस आयोजित किए गए और इन सेशंस के अलग अलग वक्ताओं ने अपने विषयों पर विस्तार से चर्चाएं की। हमारे सम्मानित वक्ता अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और निश्चित तौर पर उनका अनुभव हम सभी के लिए लाभप्रद होगा। Among all our all the resource person, Dr. Ashok Kumar Yadav sir, who is advisor organic farming Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, he discussed widely on the topic organic farming market potential and regulatory requirements. We are very grateful to you sir for your valuable inputs. Shri Bharat Bhushan Tyagi ji, he is a Progressive Farmer and Padma Shri Awardee. He discussed various aspects of agriculture, agricultural practices and organic farming. He suggested many of the things for betterment of our agriculture. We are heartily thankful to you, sir. We also express our heartfelt thanks to Dr. D.K. Singh, sir, who is Professor of Agronomy, GVPUAT, Pantnagar University. He delivered nicely on strategies for crop production in organic farming. Again, we are thankful to you, sir. We are very much thankful to Mr. Vinod Lahoti, CMD, GeoLife and AgriTech Limited. He is very dynamic and young professional. He delivered his lecture on combination of traditional practices and modern techniques for sustainable organic agriculture. Thank you, Mr. Lahoti. We are grateful to Dr. Mayank Kumar Rai sir, head KVK Gautam Buddha Nagar, Noida, for his very informative lecture on principles and practices of waste management in organic farming. I pay my vote of thanks to Dr. Dev Singh ji, who is a progressive farmer and an entrepreneur. We are again thankful to him for his valuable input during this national webinar. We are especially grateful to our dynamic and visionary Vice Chancellor, Dr. U.S. Gautam sir, for his continuous support and motivation. Without his support, we are not able to organize this webinar. Thank you so much, sir. We are heartily thankful to all our seniors, respected colleagues, deans, directors, HODs, for their continuous kind supports. We are again thankful to all the participants for your participation and making this event very successful. We are thankful to our technical support team, Mr. Avinash Nigam and Sarat Chandra, for their support. And finally, I congratulate and thankful to our organizing team, especially Dr. P.K. Singh sir, Dr. Naren Singh, Dr. G.S. Pawar sir, Dr. Bhanu Prakash Mishra ji, Dr. B.K. Gupta, Dr. H.S. Negi, Dr. Umesh Chandra, Dr. Abhishek Kalia, Dr. Dhiraj Mishra and Dr. Gaurav Shukla sir for your endless support. Thank you all. Jai Hind. Aur last mein main ek announcement karna chahunga. Aap sabhi ke e-certificates, digital certificates jo hain, within a week aapke mail pe hum log bhej denge. Aur thank you. Thank you very much. Namaskar. Hello. Thank you.